एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू अन अकेडमी कैसे है सब बच्चे एक मैं चेक कर लू दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है हाँ जी बेटा एक बार बता दीजिए सब बच्चे गुड आफ्टरनून मेरा नाम है सी पुजा एन आई एमजी एक्सपर्ट इन टू जी कैटेगरी एंड आज के सेशन में हम लोग अपने इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं यस गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ जाइए सब बच्चे कैसा चल रहा है ये तो लॉन्ग वीकेंड है स्कूल की बहुत छुट्टियां चल रही हैं और काफी समय से बेटा है ना छुट्टी उटी चल रही है स्कूल की बढ़िया यस yes. हां जी तो बेटा आज हम लोग शुरू करने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ रिकॉम डेन एड टेक्नोलॉजी अब तक हमने सारा बेसिक समझ लिया है हमने सारे टूल्स के बारे में पढ़ लिया है कि वन ऑफ द टूल इज वेक्टर अनदर टूल इज होस्ट अनदर टूल इज एंजाइम्स सारे एंजाइम्स कर लिए हैं वेक्टर के टाइप्स कर लिए हैं हर टाइप के होस्ट के लिए कौन से टाइप का वेक्टर होना चाहिए वो भी हमने बात कर ली है आज हम क्या करने वाले हैं आज हम उन सारी अपनी नॉलेज को एक्यूमुलेट करके पूरा प्रोसेस करने वाले हैं यानी कि आज मैं आपको साइंटिस्ट बनाने वाली हूँ एक साइंटिस्ट जिसको मैं बोलूंगी कि यार ये तुम्हारे पास सेल है अब इस सेल में से निकाल कर तुमको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है तो बना लेंगे बना लेंगे ठीक है यस बहुत बढ़िया देखिए मैं कहा हूं कहा रहती हूँ किसके साथ रहती हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है इतने दिन का है यार संडे था कल है कल संडे था यस अब मैं आपसे पूछ सकती हूं आप इतने दिन से कहां थे बताएं आप इतने दिन से कहां थे यस एक और एक और बेटा खुशखबरी मुझे आपको देनी थी और वो खुशखबरी है हाँ जी वो खुशखबरी है ये ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू यहाँ पे ऐड करती हूँ मैं रुके यस yes. कल बेटा एक स्पेशल सेशन होने वाला है कल का सेशन एक नॉर्मल सेशन नहीं है कल जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम कोई छुट्टी नहीं ले रहे हैं राइट right? कोई संडे कोई फिफ्टीन अगस्त नहीं है हमने मिलना है हर दिन मिलना है थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाना है किसकी तरह बढ़ना है एक कछुए की तरह बढ़ना है खरगोश नहीं बनना यार आएंगे अचानक से एक महीना काम करेंगे फिर गायब नो no. आपको भी अपनी इस पूरी जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है, है ना हर दिन काम करना है तो कल का सेशन मैंने यहां पर पिन कर दिया है कैन यू सी द पिंड सेशन ओवर हेयर बताना क्या सबको पिंड वाला सेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दिख रहा है कछुआ हाँ हैश टैग कछुआ है यार तो फटाफट से उस सेशन को लाइक कर दो यस यस yes, तो फटाफट से क्या कर दीजिए इस सेशन को लाइक कर दीजिए कल एक बहुत जनरल सा सेशन होगा हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे कोई भारी भरकम पढ़ाई नहीं है कल हम बात करेंगे कि यार हमें किस चीज से आजादी चाहिए हमारे देश में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने आ, अपनी जान पे खेल के अपना सब कुछ दाव पे लगाकर अपनी जान पे खेल के बेटा बहुत सारे काम कर लिए हैं एंड बहुत फाइट भी मारी है राइट right. और जिसकी वजह से आज हम सेफ फील करते हैं आज हमारा देश आजाद है तो सबसे पहले तो शत शत नमन उन लोगों को साथ ही में कल हमें अपनी इनहिबिशन से अपनी चीजें जो मुझे बांध के रख रही हैं कुछ बैड हैबिट्स हैं कुछ गलत चीजें जो मैं रोज के दिनचर्या में करता हूं जो मुझे मेरे रास्ते को कठिन बना रही हैं कहां तक का रास्ता है बेटा रास्ता आसान नहीं है क्योंकि हमारी मंजिल अभी दूर है हमारी मंजिल कौन सी है एम्स यार हमारी मंजिल है तो कल हम लोग इस सेशन में किसके बारे में बात करने वाले हैं एम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी गलती है जो मुझे नहीं करनी है ताकि एम्स मेरे हाथ से छूट ना जाए और आज एक एम्स नहीं है आज तो अब बहुत सारे एम्स हो गए अब इतने सारे एम्स में हमको क्या एक सीट नहीं मिल सकती नॉर्मल इंसान ही लेता है यार कल उसके बारे में बात करेंगे तो फटाफट से सेशन को लाइक करके बता दो लाइक करके आ जाओ बेटा दिख नहीं रहा फटाफट से जाओ और लाइक करके आ जाओ यस ठीक है हाँ, ये भी बड़ी है है वैसे तो मुझे लाइन अच्छी लगी बट आ, इसका सेंस ठीक आ, रहा है। एक बच्चे को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगी अंशिका रावत कह रही है हाँ मेरे से आजादी ले लो मैं तो चाहती हूँ मैं तो बेटा चाहती हूँ कि मुझे कोई भी बच्चा दोबारा ना देखे कोई भी बच्चा आप लास्ट टाइम मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो इसके बाद ना कर रहे हो एक चीज और बेटा कल से इस क्लास का टाइम हो जाएगा चेंज कल से बेटा यही क्लास आपको दिखेगी एवरी डे तीन बजे यस कितने बजे तीन बजे इज इट ओके किसी को कोई दुख दर्द तो नहीं है तीन बजे में जल्दी फ्री हो जाएंगे एंड व्हाई एम आई डूइंग दिस थ्री पी एम वाई बिकॉज मैं चाहती हूं कि आप जिस समय हमारा पेपर होता है बड़ा ही सोने वाला टाइम है दो से पांच अच्छा टाइम नहीं है बच्चा उसके रूटीन में आना शुरू करता है अगले साल वो अपना रूटीन बनाएगा तब हम बताना भी शुरू कर देंगे भाई अगर तुम दोपहर में सोते हो प्लीज मत सो प्लीज मत सो तुम्हारा पेपर जो है वो दो से पांच होता है 2021 में मुझे याद है मैंने अपने क्रैश कोर्स का टाइम जान के तीन बजे रखा था आज मुझे याद है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रैश कोर्स था वो जिसका नाम था मंथन कोर्स उस मंथन से सबसे ज्यादा रिजल्ट मेरे को लग रहा है उस समय निकले थे वो क्रैश कोर्स का टाइम भी तीन बजे रखा था और जो बच्चे निकले थे ना उन्होंने मुझे स्पेशली आके बोला था कि मैम आपने क्लास का टाइम जो रखा था ना बहुत सोच के रखा था अब वो जो क्लास का टाइम है वो हमें बहुत मदद करता था और इसी वजह से हम लोग उस समय पर एक्टिव फील करते थे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि चलो ये सोने का टाइम है छह बजे उठेंगे छह बजे उठ के पड़ेंगे तो सब बच्चा सो जाएगा साथ में आते हैं मिलकर मेहनत करते हैं और दो से पांच को सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है बताओ बेटा आप मैं पोल नहीं करा सकती हूं कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें ठीक है अब बस तुम मुझे बता दो इज इट ओके किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यस स्कूल फिनिश हो जाता है तो आ जाना कोई दिक्कत नहीं है सब बच्चे इस क्लास को लाइव लगाएंगे बेटा अगर आप सोच रहे हैं कि आप बायो को किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे किसी सब्जेक्ट से कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे होंगे है ना कॉम्प्रोमाइजिंग वन सब्जेक्ट फॉर दी अदर वन इट इज नेवर 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 अ गुड स्ट्रेटेजी हमेशा आपको अपनी एक बैलेंस मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब बच्चों को भी समझना चाहिए सारे टीचर्स को भी ये बात समझनी चाहिए कि जब तक वो बैलेंस मेंटेन नहीं होगा तब तक बेटा आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे यस yes, तो अगर आप सोचते हैं कि आप ये क्लास रिकॉर्डिंग देखेंगे टू एक्स की स्पीड पे देखेंगे बेटा स्पीड तो अच्छी है टू एक्स मजा भी आता है एक घंटे की क्लास आधे घंटे में हो जाती है दो घंटे की क्लास एक घंटे में हो जाती है लेकिन 2x पर देखने में आप उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे लिख नहीं पाएंगे फिर आपकी नोट मेकिंग प्रॉपर नहीं होती है नोट मेकिंग नहीं होती तो फ्यूचर में रिविजन के लिए दोबारा इसी लेक्चर को सुनना पड़ता है तो नोट मेकिंग के लिए आपको ये क्लास और एब्जॉर्ब भी तो करना है यार सिर्फ सुन के निकाल थोड़ा देना ये कोई गाना थोड़ा है कि गाना गाया और आगे निकल गए यहां पर आपको उस चीज को क्लास के दौरान ही लर्न करना है और क्लास के दौरान लर्न करने का तरीका एक ही है शांति से क्लास नॉर्मल स्पीड पे सुनिए टू एक्स पता है कब के लिए जब पेपर में दो महीने बचे हों अभी आपको टू एक्स पे नहीं जाना है और ना अभी आपको रिकॉर्डिंग पे जाना है अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव क्लास पर ही फोकस करना है अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड करते ना रिकॉर्डिंग में चाह के भी ना चाह के भी हम लोग इसको टू एक्स वन डाल ही देते हैं है ना और वो आपकी रिटेंशन को कम करती है ये एंग्जाइटी बढ़ाती है ये चीज आप में आप समझ नहीं रहे हैं बेटा आजकल की जो जनरेशन है वो शॉर्ट्स वाली जनरेशन है जितना शॉर्ट में उतना बताओ है ना फटाफट से बता दो एक बारी में चैप्टर पूरा कर दो इसके लेक्चर चार क्यों है इसका लेक्चर दो क्यों नहीं है दो लेक्चरों में पूरा कर दो फास्ट नहीं बेटा स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस मैंने हमेशा बोला है कछुआ बनना है दूसरों की तरह नहीं बनना है यस ठीक है तो कल से बेटा टाइमिंग चेंज हो रहे हैं कल से बेटा इस क्लास का टाइम हो रहा है तीन बजे यस yes, ओके okay. और जो क्लास लाइव अटेंड नहीं करेगा उसकी रिजल्ट की गारंटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूं चलिए तो लास्ट क्लास में बेटा जी हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था यस लास्ट क्लास में बेटा जी हमने डिस्कस किया था ये yeah. यस yes. मैंने बोला था इसमें से नीट 2023 में भी सवाल आया था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो वन बाय वन बेटा सारे प्रोसेसेस को आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रेडी है तो सबसे पहले बेटा आपको किसी आदमी के डीएनए को उसमें से डिजायर्ड डीएनए निकालकर किसी होस्ट में डालना है यू हैव वन डीएनए जिसके पास डिजायर्ड सेगमेंट है यू हैव अ वेक्टर एंड यू हैव अ होस्ट अब आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे सबसे पहले जिस डीएनए में मेरा डिजायर्ड सेगमेंट प्रेजेंट है उस डीएनए को बाहर तो निकालूंगा फिर काटूंगा बैठ के काटने के बाद जोड़ूंगा वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद बेटा उसको होस्ट में डालूंगा तो सबसे पहला काम आज हम क्या करने वाले हैं सबसे पहला काम बेटा जी आज हम करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी दैट इज गोइंग टू बी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइसोलेशन ऑफ डीएनए है ना आइसोलेशन किसकी करनी है बेटा जी हमने डीएनए की आइसोलेशन करनी है कैसे करें कहा है डीएनए बताओ सबसे पहले जो भी आदमी का तुमने सैंपल लिया है है ना किसी ना किसी का तो लोग है हो सकता मैन हो हो सकता कोई तो यार ये कोई है ठीक है इसका हमको डीएनए सैंपल लेना है डीएनए सैंपल के लिए हम लोग मूव करेंगे किसी ना किसी सेल सेल के अंदर ही होता है ना डीएनए अब एक आदमी के सारे सेल में सेम डीएनए डिफरेंट डीएनए बताइए एक आदमी के सारे सेल्स में सेम डीएनए होता है डिफरेंट डीएनए होता है आपको पता है यार ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज गॉट सिमिलर टाइप ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नो मैटर वो स्किन का सेल हो वो ब्लड का सेल हो वो किडनी का सेल हो वो हार्ट का सेल हो वो किसी का भी सेल हो उसके अंदर से, उसके अंदर से सेम डीएनए निकलेगा तो मैं क्या करती हूँ यहां पर ब्लड सैंपल ले लेती हूं क्या करती हूँ ब्लड सैंपल इस आदमी का ले लेती हूं अब इस ब्लड सैंपल के अंदर जितने भी सेल्स होंगे सबके पास सेम टाइप का डीएनए है है ना सेम टाइप मान लो इसका मैं एक सेल यहाँ पर बड़ा करके दिखाती हूँ ये सेल की, की मेम्ब्रेन है और ये क्या चीज है आपकी न्यूक्लियस असल में डीएनए बैठा कहां है डीएनए बेटा जी न्यूक्लियस के अंदर बैठा है यानी कि हमें सारे बैरियर को तोड़ना पड़ेगा मुझे सबसे पहले डीएनए तक पहुंचने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़नी है किससे बनी है मेम्ब्रेन बताओ अगर एक एनिमल सेल है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी है आपने सेल वाले यूनिट में करा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लिपिड तोड़ो कैसे तोड़ोगे लिपिड तोड़ोगे तुम लाइपेस से प्रोटीन प्रोटीन तोड़िए कैसे तोड़ेंगे बेटा से है ना सारी चीजें अपन को तोड़ना है वो जैसे आजकल गदर का ट्रेंड चल रहा है सनी देओल आते हैं और सब कुछ तोड़ फोड़ के अंदर चले जाते हैं है ना तो कैसे उन्होंने ये तोड़ फोड़ मचाई तो यार उन्होंने तोड़ फोड़ कैसे मचाई राइट right? तो उन्होंने सबसे पहले बेटा जी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो भी एरा गैरा बीच में आया कौन आया लिपिड आए लाइफेज प्रोटीन आया प्रोटीज आरएनए बीच में डिस्टर्ब करे RNAs. फिर बेटा न्यूक्लियस की भी तोड़ दी क्योंकि वो भी उसी रॉ मटेरियल से बनी है एंड अल्टीमेटली वो डीएनए तक पहुंच जाएंगे अब डीएनए के अंदर आरएनए भी तो घुसा होता है बीच बीच में क्योंकि न्यूक्लियस में ही ट्रांसक्रिप्शन होती है आरएनए को भी खत्म करो कैसे आर की मदद से आप खत्म करेंगे एंड हिस्टोन को खत्म करो हिस्टोन क्या है प्रोटीन प्रोटीन की मदद से खत्म करेंगे और अल्टीमेटली तुम किस तक पहुंच जाओगे डीएनए तक पहुंच जाओगे तो यार अगर तुम्हारा सेल है बैक्टीरियल सेल कैसा सेल है बैक्टीरियल सेल बताएंगे बैक्टीरियल सेल की बेटा सेल वॉल किससे बनती है यस इन इन द द चैट चैट सेक्शन सेक्शन अमन कुमार कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक वन पर क्या दोगे बेटा आप क्या सामान लेने के लिए आ रहे हो यहां पर बेटा मेरी क्लास में ऐसी चीजें नहीं मिलती है मैं कुछ नहीं देती हूं मैं सिर्फ सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक वन देती हूं उसके बाद तो बेटा लोग आपको आके देते हैं मैम को देने की जरूरत नहीं है ना ही तुम्हें बेट देने की जरूरत है पैसों के लिए गैजेट्स के लिए आईफोन के लिए आईपैड के लिए मैकबुक के लिए अगर तुम ये सिलेक्शन ले रहे हो ना कभी अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे क्योंकि पैसा पैसा इफ द ड्रिवन फैक्टर इज मोटिवेशन इज मनी यू कैन नेवर डू गुड वर्क इन योर लाइफ मोटिवेशन शुड भी डॉक्टर बनने का मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं जिंदगी में लोगों को हील करूं काम आ सकूं उनको सर्वाइवल में हेल्प कर सकूं आपका क्या मोटिवेशन है पैसा पैसा बेटा जिंदगी में बहुत कमाल हो गए मैं बता रही हूं लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन आप असल में किसी की मदद जब करते हैं ना तभी मिलेगा ठीक है तो इससे मेरे ख्याल से ना तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा इस एटीट्यूड से फिर पैसा भी नहीं आएगा पैसा नहीं आएगा सेटिसफेक्शन तो बड़ी दूर की बात है राइट right? हाँ जी किससे बनती है पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं लाइसोजाइम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं लाइसोजाइम देन बेटा आपके पास कौन सा सेल आता है देन आता है आपके पास फंगल सेल हाँ जी फंगल सेल को फंगल सेल की सेल वॉल किससे बनती है तुम बोलोगे फंगल सेल की सेल वॉल बनती है काइटेन काइटेन को तोड़ना है तो क्या यूज करेंगे नेज यूज करेंगे देन आ जाते हैं अपन लोग प्लांट सेल पे प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनती है सेलूलोस से सेल्यूलोज को तोड़ने वाला सेल्यूलोस को तोड़ने वाला कौन है बेटा जी सेल्युलेज है सेल्यूलोज को तोड़ने वाला बेटा जी कौन है सेल्युलेज है तो सबसे पहले तो आप आउटर मोस्ट लेयर तोड़ोगे अल्टीमेटली न्यूक्लियस तक पहुंचना है ना तो सबसे बाहर वाली लेयर तोड़ दी एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं होती है इन सब में जो सेल वॉल थी अपन ने तोड़ दी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचो अब मुझे किसको ब्रेक डाउन करना है लिपिड्स को तोड़ना है मुझे बेटा जी प्रोटीन जो रस्ते में डिस्टर्ब करें उसको तोड़ना है मुझे आर एन ए को तोड़ना है तो तोड़ देते हैं लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज आर एन ए को तोड़ने के लिए बेटा जी आर एन एस क्या मैं यहां पर डीएनएज यूज कर लू यस बेटा जी बताए क्या मैं यहां पर डीएनए कर लू सोच के बताओ कर लू यस या नो में बताइए क्या मैं यहां पर डीएनए यूज कर यस अगर मैंने डीएनए यूज कर लिया तो क्या हो जाएगा हां जी बेटा अगर मैंने डीएनए यूज कर लिया तो यार ये मेरा जो बीच में डीएनए यही खत्म हो जाएगा और अगर मेरा डीएनए खत्म हुआ तो बचा ही क्या यार सेल में कुछ भी तो नहीं बचा है ना डीएनए को हम खत्म नहीं कर सकते हैं तो डीएनए नहीं करना गलती से भी अगर में DNA's हो उसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि DNA's यूज किया इट विल डाइजेस्ट डीएनए ठीक है अब मतलब मैंने बाकी सारी एरी गरी चीजों को खत्म कर दिया मेरे पास ये जो टेस्ट ट्यूब है मेरे पास बेटा जी ये जो टेस्ट ट्यूब है अब इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे दूर दूर मुझे डीएनए के धागे देखने लग गए दूर दूर दूर। बहुत बहुत हलके हलके। अब मैं चाहती हूं, ये जो डीएनए के धागे हैं सब एक साथ मिलकर प्रेसिपिटेट बना लें। ये प्रेसिपिटेट बेटा जी किसके साथ बनाएंगे इसको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए मुझे एक सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है चेल्ड एथेनोल ठीक है अब हम क्या ऐड करेंगे चिल्ड इथेनोल ऐड करेंगे जिससे अल्टीमेटली इस टेस्ट ट्यूब में सारे के सारे डीएनए सेगमेंट इकट्ठे प्रेसिपिटेट होकर एक साथ कर, एक सिंगल स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देंगे चिल्ड इथेनोल लैब में होता है बेटा पीने वाला नहीं होता इसी काम के लिए होता है ठीक है इस मेथड को जिसमें मैंने सारे के सारे डीएनए स्ट्रैंड्स को इकट्ठा चिल्ड इथेनोल से प्रेसिपिटेट किया This method is called as spooling. क्या बोलते हैं बेटा जी इस मेथड को इस मैथड को हम लोग बोलते हैं स्पूलिंग प्रेसिपिटेट द डीएनए पहला स्टेप डन यस मेरे बच्चों पहला स्टेप क्या डन हो गया डीएनए को आइसोलेट किया आइसोलेट करने के बाद प्रेसिपिटेट किया प्रेसिपिटेट कैसे हमने किया स्पूलिंग की मदद से किया आपकी एनसीआरटी में यहां पर फोटो भी बनी हुई है जो आपको रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए ये देखिए बेटा ये स्पूलिंग के बाद ना डीएनए से झाग टाइप बन जाता है जैसे नेचर नहीं होता झाग बन गया ठीक है सो हेयर डीएनए कैन बी सेपरेटेड आउट विद द हेल्प ऑफ स्पूलिंग यस मेरे बच्चों क्या नाम है इसका यहां पर स्पूलिंग जी डन बेटा चलिए तो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया अब मेरे पास डीएनए आ चुका है अब डीएनए तो बहुत बड़ा है यार है ना तो मेरे पास काफी बड़ा है इस डीएनए को मुझे कट करना है इस को बेटा जी मुझे कट करना है तो मैं कैसे कट करूं स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू लिस्ट में से देख के बताओ yes मेरे बच्चों में से देख के बताओ दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन क्या बोलते हैं स्टेप को फ्रेगमेंटेशन किसकी मदद से करोगे बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्स किसकी मदद मदद से से करेंगे बेटा एंडो की मदद से आप क्या करने वाले हैं करने वाले हैं आपने यहां पर डीएनए को क्या कर दिया फ्रैगमेंट कर दिया अब डीएनए को जब आपने फ्रैगमेंट किया ये तो बताने की जरूरत है बेटा कैसे किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मोड ऑफ एक्शन मोड ऑफ एक्शन क्या है सबसे पहले वो पूरे डीएनए को स्कैन करते हैं अपनी रिक्निशन साइट ढूंढते हैं फिर जाकर चिपक जाते हैं और बॉन्ड तोड़ देते हैं दिस इज हाउ रिस्ट्रिक्शन दे वर्क जब उन्होंने काम किया तो ये फ्रेगमेंटेशन कर ली एट अ स्पेसिफिक लोकेशन जो भी उनका रिकोग्निशन सीक्वेंस था और तो कहीं वो करते नहीं है अब बेटा उससे फॉर एग्जाम्पल ये तीन फ्रेगमेंट बन गए तीन फ्रेगमेंट बन गए इनमें से तुम्हें एक ही चाहिए होगा हो सकता है तुम्हारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट कौन सा है बी

इज माई डिजायर फ्रेगमेंट क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेंगे एक की तीन बन जाएंगे ना तीन मान लो फ्रेगमेंट बन गए के तीन हिस्से बन गए उसमें सेन डीएनए कैसे पहचाने? आंखों से तो नहीं पहचान सकते है ना देख तो नहीं पाते अब हम क्या करेंगे इसको पहचानने के लिए अगला टेक्निक यूज करेंगे जिसका नाम है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट यस क्या नाम है सेपरेशन एंड isolation of DNA fragments. ठीक है जी separation and isolation of DNA fragments. कर दें separation and isolation किस तरीके से करी जाती है आ जाइए मेरे साथ <coughs> For this we will use a technique which is called as AGE. एज नहीं है बेटा उम्र नहीं है दिस इज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अब बेटा अगर मैं आपको बताऊं ना इस एज में से ऑलमोस्ट हर बारी सवाल आता ही आता है दिस एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस बायोटेक्नोलॉजी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से सवाल बनेंगे दो तीन बनेंगे मैं बताऊंगी कि तुम्हें किस किस तरीके से सवाल बनते हैं अब एग्रोस क्या है एग्रोस बेटा एक पाउडर है यस एग्रोस इट इज बेसिकली नेचुरल पॉलीमर रेड एल्गी से मिलता है बेटा पाउडरस फॉर्म में होता है ऑबटे फ्रॉम कहां से मिलेगा फ्रॉम रेड एल्गी सीवीड्स ठीक है जिसको सी सीवीड भी बोल सकते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इस चीज को पढ़ेंगे ठीक है अब एग्रोस मैंने ले लिया पाउडर सी फॉर्म में आता है। में आता है है डब्बी में पाउडर जैसे डिटर्जेंट नहीं होता उस टाइप का उसका कंसिस्टेंसी होता है जैसे सर्फ एक्सल उस टाइप का एग्रोस है उस में अपन लोग अपना सोलमेंट मिलाते हैं और फिर उसको घोलते हैं तो एग्रोस जो है पाउडर वो अभी एक लिक्विड स्टेट में आ जाता है ठीक है उसके मीडियम में हमने उसको घोला और वो एक लिक्विड स्टेट में आ गया लिक्विड स्टेट में आने के बाद उसको एक ऐसे डिश से में रख लेते हैं कटोरा नहीं होता कटोरे टाइप में रख लेंगे रखने के बाद उसको उसके बीच में ऐसे कंगी घुसा देंगे एक एक साइड पे उसके कूम घुसाने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने का मतलब है अब तू हार्ड हो जा ठीक है पहले पाउडर था पाउडर से उसको लिक्विड ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट किया फिर इस लिक्विड को कह रहे हैं कि भैया अब तू ना बिल्कुल जेली लाइक सॉलिड हो जा सॉलिड होने का मतलब है अब एग्रोज इस तरीके से मुझे दिखाई देगा ये ध्यान देना ठीक है मैंने यहां पर बीच में क्या लगाए थे लगाए थे कंगी टाइप लगा दिया था अब इन की वजह से यहां पर वेल्स बन गए खाली जगह बन गई है दिख रही है खाली जगह बन गई है इसको मैं उठा के इधर रखते यस कैन यू सी अब बेटा इस पूरे ऑपरेटस को मैं लगा दूंगी अटैच कर दूंगी इलेक्ट्रोड से अब तुमको पता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं बताओ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है कैथोड या एनोड केमिस्ट्री चेक कर रही हूं तुम्हारी हां यस केमिस्ट्री चेक कर रही हूं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है खड़े हो जाए रिया केमिस्ट्री में फेल मैं फेल बोल दूंगी सीधा क्योंकि ये ट्वेल्थ क्लास या ड्रॉपर की नॉलेज नहीं है ये नॉलेज आपको होनी चाहिए क्लास एट से एट्थ नाइन्थ में आ जाता है हा नाइन्थ से होनी चाहिए बिल्कुल फेल बोल दूंगी हां जी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एक होता है आयन एक होता है इलेक्ट्रोड यस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कैथोड सब जिन बच्चों ने कैथोड बोला है खड़े होकर अपने आप को शाबाशी दें क्योंकि आप बेसिक केमिस्ट्री में

है? बिल्कुल गलत कर रहे हो ये बेसिक केमिस्ट्री अभी तो कुछ भारी भरकम नहीं पूछा गया गड़बड़ चेंज इट जिसने तुम्हें ऐसा बताया हां जी तो अपने ने क्या करना है इलेक्ट्रोड से अटैच कर देना इस साइड भी अपने ने इलेक्ट्रोड लगा देनी है और इस साइड भी अपने ने इलेक्ट्रोड लगा देनी है ऊपर की साइड पे मैंने इलेक्ट्रोड लगाई कौन सी कैथोड यस कैथोड कैसी हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इसके सामने मैंने इस साइड इलेक्ट्रोड लगाई एनोड एनोड कैसे इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैसे याद करेंगे आयन से उल्टा एनाइन एक नेगेटिवली चार्ज आयन होता है तो एनोड एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगी ठीक है अब ये जो गड्ढे बन गए हैं वेल्स बन गए हैं इसके अंदर मैं अपने टूटे हुए फ्रेगमेंटेड डीएनए की लोडिंग कर दूंगी छोटी छोटी पाइपेट्स होती है बिल्कुल है ना जो बहुत कम क्वांटिटी ऑफ सैंपल भी पिक कर सकती है तो मैंने छोटी सी पाइपेट और उन पाइपेट की मदद से मैंने इन ए बी और सी को यहां पर लोड कर दिया ठीक है तो ये कर लेते हैं ए दिस इज बी दिस इज सी यहां पर मैंने डीएनए की लोडिंग कर दी ठीक है डीएनए यहां पर डाल दिया और यहां पर मैंने अनडाइजेस्टेड सैंपल डाला यहां पर क्या डाला अनडाइजेस्टेड सैंपल

टोटल कितना हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टोटल हो गया इलेवन यूनिट्स ठीक है जी यस yes. अब होगा क्या जब मैंने यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दी और बटन को ऑन कर दिया इसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया और बटन को ऑन कर दिया डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है डीएनए इज विच चार्ज मॉलिक्यूल इज इट इवन चार्ज मॉलिक्यूल और नॉट और इज इट न्यूट्रल पॉजिटिवली चार्ज है कोई चार्ज ही नहीं है जीरो चल रहा है उस पर हाँ डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है यस yes, मेरे बच्चों डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है तुम बोलोगे डीएनए पे मेरे पास चार्ज होता है नेगेटिव क्यों फॉस्फेट ग्रुप पीओ फोर टू नेगेटिव उसके पास पीओ फोर टू नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप होता है तो डीएनए के पास सेंस नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली डीएनए एगरोज को चीरते हुए पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा एनोड की तरफ जाएगा किसको क्रॉस करता हुआ जाएगा एगरोज तो एगरोज एक कैसा इंपैक्ट दे रही है सीविंग इंपैक्ट दे रही है सीविंग इफेक्ट सीविंग यानी कि छन्नी जैसा इफेक्ट ठीक है ये एक पॉलीमर है जब ये पॉलीमर सॉलिडिफाई हो जाता है पाउडर से तो एक छन्नी टाइप का इंपैक्ट देता है तो छन्नी के पोर्स 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 में में से है, मतलब है। तो में से होते होते हैं मतलब इसमें बहुत सारे बन जाते तो डीएनए को बेसिकली उन हुए किसकी तरफ जाना है नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ जाना है अब यार मान लो ये सारा एरिया छन्नी वाला है तो जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उतना दूर जाएगा छोटा मॉलिक्यूल पोर्स में से फटाफट निकल जाता है वो उतना दूर जाएगा और जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसको यहां की छन्नी रोक लेगी समझ रहे हो तो जितना छोटा मॉलिक्यूल है वो उतना दूर जाएगा और जितना बड़ा मॉलिक्यूल है वो छन्नी में वहीं पर ट्रैप हो जाएगा अब ए बी सी और अनडाइजेस्टेड में सबसे बड़ा है कौन सबसे बड़ा मॉलिक्यूल कौन सा है तुम देखो अनडाइजेस्टेड का साइज है ग्यारह मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल uh... के तौर पर लिए ग्यारह A का साइज कितना है टू बी का साइज कितना है पांच सी का साइज कितना है फोर तो सबसे दूर कौन जाएगा सबसे दूर मेरा बताओ सबसे दूर कौन सा जाएगा है अंडाइजिट जाएगा दिमाग लगाए फारदेस्ट farthest, सबसे दूर कौन जाएगा जो सबसे छोटा है बेटा सबसे छोटा कौन सा है ए तो ए वाला जो फ्रैगमेंट है इट विल रीच दी फार सबसे दूर पहुंचेगा देन उसके पीछे कौन रहेगा सी वाला देन उसके पीछे कौन रहेगा बी वाला एंड देन अल्टीमेटली सबसे नजदीक कौन सा रह जाएगा अनडाइजेस्टेड वाला यानी कि यहां पर डीएनए के हमें बैंड मिल गए वॉट आर दीज बैंड ऑफ डीएनए जितना बड़ा बैंड होगा वो ऊपर की साइड पे रहेगा यानी कि दिस इज द साइट वेयर यू विल फाइंड लार्जेस्ट मॉलिक्यूल यहां पर आपको लार्जेस्ट मिलेगा और जैसे जैसे तुम दूर जाओगे वहां पर तुमको स्मॉलेस्ट मिलेगा सो इट विल मूव छन्नी है ना छोटी चीज पोर में से निकल जाती है बड़ी चीज वहीं के वहीं अटक जाती है तो जब तुमको यहां पर साइज पता है कि यार मेरे को पांच वाला चाहिए पांच वाला यहां कहीं बीच में अटकेगा तुम अपना डीएनए पहचान लोगे लेकिन अभी तुम्हें देखने रहे ये क्या है डीएनए के बैंड्स कैसे सेपरेट हुए एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किस बेसिस पे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन जी प्रिंसिपल क्या है हियर सेपरेशन इज अकॉर्डिंग टू इज अकॉर्डिंग टू यस द साइज साइज का मतलब है द स्मॉलर द डीएनए स्मॉलर द डीएनए द फार्दर इट विल मूव द फार्दर इट वेल मूव जितना छोटा डीएनए उतना ही बेटा जी आपको दूर जाता हुआ दिखाई देगा ठीक है ये इसका प्रिंसिपल हो गया फिर क्वेश्चन आता है क्या मैम सेपरेशन चार्ज के अकॉर्डिंग भी है देखिए बेटा चार्ज के अकॉर्डिंग हम मूव करा रहे हैं क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज है एनोड की तरफ जा रहा है बट सिर्फ आइसोलेशन उसके हिसाब से नहीं क्योंकि सारे नेगेटिवली चार्ज है एवीसीडी सब नेगेटिवली चार्ज है है ना डीएनए इन टोटल इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड सो बेटर आंसर इज सेपरेशन इज अकॉर्डिंग टू साइज ठीक है साइज आपको कुछ जगह साइज एंड चार्ज भी दिखेगा बट चार्ज तो वैसे ही सबका सेम है राइट right? बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तीनों सेगमेंट को तो साइज के हिसाब से कर रहे होंगे अब यार ये डीएनए के यहां पर बैंड्स बन गए लेकिन ये बैंड्स बेटा नेकरड आई से दिखते नहीं है यस yes. ये जो बैंड्स हैं ये नेकड आई से दिखते नहीं है रंग डालना पड़ेगा ऐसे नहीं दिखेंगे यानी कि जो अगला प्रोसेस आएगा इस अगले प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं स्टेनिंग यस मेरे बच्चों क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग तो टू बी इसको रंग देना अब पूरा का पूरा जेल उठा के ना ऐसे छोटा सा जेल होता है इसको उठा के ले चलते हैं कहा स्टेन करने के लिए स्टेन करने के लिए वी यूज द केमिकल विच इज कॉल्ड एज एथेडियम ब्रोमाइड यस स्टेनिंग किससे करते हैं थिडियम ब्रोमाइट अब बंदे का दिमाग काम करता है कि मैम स्टेन कर दिया रंग कर दिया अब दिखने चाहिए अब भी नहीं दिख रहे अब भी नहीं दिख रहे क्यों क्योंकि आप इसको विजिबल लाइट में देख रहे हो विजिबल लाइट है जो नॉर्मल लाइट है विजिबल लाइट आपको पता है ना स्पेक्ट्रम होता है यूवी रेज विजिबल रेज इंट्रा तो रेड रेज फिर विजिबल लाइट में अपने को नहीं दिखाई देंगे अगर तुम्हें इसकी विजुअलाइजेशन करना है विजुअलाइजेशन इसको देखना है तो यार आपको लेकर जाना पड़ेगा इसको यूवी रेस के अंदर पूरा का पूरा जेल उठा के जिसको इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करा हुआ है उसको आप यूवी रेस के अंदर रखोगे देखो जब एक्चुअल मैंने काम किया हुआ है आई हैव मास्टर्स इन ह्यूमन जेनेटिक्स जेनेटिक्स में यह काम बहुत होता है जेनेटिक्स से तो है और क्या है डीएनए से करना तो ऑलमोस्ट हम एवरीडे जेल लगाते थे जेल जेल लगाकर में स्टेन करते थे छोटी सी सी होती थी इतनी उसमें थोड़ा ब्लू ब्लू दिख रहा होता था डीएनए बट इतना अच्छे से बैड नहीं दिखता था पता चलता था कि चल चुका है डीएनए ट्रैवल कर चुका है एनोड की तरफ फिर हम इसको लेके जाते होते थे यूवी वाले रूम में अब उस रूम में पूरा अंधेरा करते थे एंड एक ऐसे यूवी मीटर होता था जिसको ऊपर से फ्लैप को ओपन करते थे और वहां जेल रख के ढक देते थे वहां पर आपको प्रॉपर यू you नो know, गियर के साथ जाना होता है स्पेक्स वगैरह लगानी होती है ताकि यूवी रेस आपको डैमेज ना करे क्योंकि यूवी रेस पड़ेंगी ना उस पर जब उस पर यूवी रेस पड़ेंगी तो यार फिर आपको बैंड्स दिखाई देंगे फिर आपको बैंड्स दिखाई देंगे और किस रंग के बैंड्स दिखाई देंगे आप बोलेंगे ऑरेंज कलर बैंड्स दिखाई देंगे तो ये जो लोकेशन है ना इस जगह पर यूवी रेस के अंदर ऑरेंज कलर बैंड्स दिखाई देते हैं तो उस टाइम हम ऐसे उचक के देखते होते थे कि यार ऑरेंज कलर मेरा बैंड कहां पर आ रहा है अब ज्यादा देर तो नोट नहीं कर पाएंगे वहां बैठ के तो उस यूवी मीटर के साथ एक कंप्यूटर अटैच हो जाता था तो वी कुड टेक अ पिक्चर तो जो बैंडिंग दिख रही है ना उसको फोटो खींच लेते थे वो फोटो आपका कंप्यूटर में सेव हो जाता था फिर आप उस फोटो को फर्दर प्रिंट आउट निकाल के स्टडी भी कर सकते हो कि यार मेरा वाला डीएनए फ्रैगमेंट फ्रेगमेंट कौन सा है, है ना कहां पर कैसा बैंड बना तो ये सारी चीजें याद रखनी है एग्रोस जेल की कहानी सबको समझ आई एग्रोस क्या है एक पॉलीमर है कहां से मिला रेड एल्गी से क्या काम करेगा सीविंग इफेक्ट देगा ठीक है एक छन्नी वाला इंपैक्ट देगा क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं ठीक है पोरस नेचर है उसका अब आपने लोडिंग कर दी किस साइड पे लोडिंग की सवाल आएगा यस लोडिंग आपने किस साइड की एनोड की साइड की या कैथोड की साइड की बताएं किस साइड आपने लोडिंग की तो आप बोलेंगे आपने लोडिंग किस साइड की कैथोड की साइड पर लोडिंग की

ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे इज इट क्लियर इज इट क्लियर मेरे बच्चों हाँ जी। अब मान लो मैंने देख लिया यार कि मेरे को ये वाला डीएनए चाहिए ये वाला मेरा डिजायर्ड डीएनए कौन सा बी वाला इसको निकालो है ना अगला स्टेप आता है इसको निकालिए निकालेंगे कैसे काटोगे प्रॉपर चाकू लेके आओगे चाकू को यहां से यहां से यहां से जेल को कट करोगे और इस कट करने के बाद आप इस डीएनए को बाहर निकाल लोगे। यस प्रॉपर हम कटिंग करते हैं चाकू लेके आते हैं हाँ, जेल की कटिंग के लिए सो नेक्स्ट स्टेपर इज गोइंग टू बी इल्यूशन यहां पर अगला स्टेप क्या आने वाला है इल्यूशन इल्यूशन का मतलब है सेपरेटेड बैंड्स आर कट फ्रॉम जेल जो बैंड सेपरेट हुए ना सेपरेटेड बैंड्स जो ऑरेंज कलर के दिख, दिख रहे हैं आर कट फ्रॉम एग्रोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं एल्यूशन प्रॉपर तुम जेल काट के अपना डीएनए निकाल लोगे क्योंकि तुम्हें एंटाइटैसिड से मतलब नहीं है तुमको ए वाले से मतलब नहीं है सी से नहीं है हमारा तो डिजायर्ड सेगमेंट कौन सा है बी वाला है तो सोच रो कितनी मेहनत करनी पड़ी डिजायर सेगमेंट तक पहुंचने के लिए पिछली क्लास में मैंने आपको ये बड़े आसान तरीके से बता दिया था कि भाई तुम्हें अपना डिजायर डीएनए लेना है यहां से काटा यहां ले आए बट यहां से लेकर यहां तक आने का प्रोसेस इतना बड़ा था पहले को आइसोलेट करेंगे आइसोलेट करने के बाद कट करेंगे कट करने के बाद सेपरेट करेंगे सेपरेट करने के बाद ये सेपरेट करने के बाद बेटा ये इस तरीके से अलग होगा यस तो ये हमने अब तक यहां पर डिस्कस कर लिया है अगला स्टेप क्या होगा सोच के बताओ अगला स्टेप क्या होगा मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट तो आ गया ये रहा अब वेक्टर वेक्टर को को भी तो कट करना पड़ेगा, है कि नहीं? वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा। और जो मेरा डिजायर्ड फ्रेगमेंट जो आया ना वो इतने बड़े सा हिस्सा है। तो सबसे पहले बेटा मैं उसको थोड़ा बड़ा करूंगी उसको ना थोड़ा एम्पलीफाई करूंगी एम्प्लीफाई करने से क्या होगा एम्प्लीफाई बेटा जी करने से क्या होगा अल्टीमेटली हम हैंडलिंग आसानी से कर पाएंगे नेक्स्ट स्टेप ज गोइंग टू बी एम्प्लीफिकेशन ऑफ डी एन ए मॉलिक्यूल वेरी 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 इंपॉर्टेंट आज के सेशन में से कम से कम तीन से चार क्वेश्चन बनेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तुमने आइसोलेट किया उसको आप एम्प्लीफाई करेंगे एम्प्लीफाई करने के लिए बेटा एक मशीन यूज होती है उस मशीन को हम लोग बोलते हैं पीसीआर उस टेक्निक को पीसीआर मशीन बोलते हैं टेक्निक इज कॉल्ड एज पीसीआर पीसीआर स्टैंड फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ठीक है देखिए अगर ये मशीन ना आती ना आज आप ये साइंस पढ़ी ना रहे होते बायोटेक आज इतना बड़ा चीज ना बन पाती क्योंकि ये एक ऐसी मशीन है जिसने रेवोल्यूशनराइज कर दिया है पूरी बायोटेक्नोलॉजी को पूरी जेनेटिक्स की साइंस को ऐसा क्यों क्योंकि बेटा सारा बायोटेक और सारा जेनेटिक्स डीएनए पे टिका हुआ है अब डीएनए यार कहने को बॉडी में लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है बट वो जब सामने से देखने पे आते हैं बहुत ही छुट है उसको हैंडल नहीं किया जा सकता तुम सोचो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के के न्यूक्लियस अंदर पड़ा धागा। उस धागे को हम बैठ के काट रहे हैं जोड़ रहे हैं, और उसको ऑल्टर कर रहे हैं उससे सामान बना रहे हैं तो धागा छोटा सा धागा उसको हैंडल करना इतना पॉसिबल नहीं होता अगर एम्प्लीफिकेशन ना होती एम्प्लीफाई समझते हो ना तो मेरा एम्प्लीफायर फायर साटी ये कौन सा गाना है कोई तो है? है ना एम्प्लीफिकेशन मतलब इसकी कॉपीज बनाना बिकॉज स्मॉल सेगमेंट ऑफ़ बी हैंडल्ड इजीली हम उसपे इतना काम इतना रिसर्च इतना सब चीजें इसीलिए डिस्कवर कर पाए क्योंकि हम उसे एम्प्लीफाई करके देख सकते थे तो पीसीआर इज अ मशीन जो कि इसको एम्प्लीफाई करती है ये कौन लेके आया है मशीन कोई तो साइंटिस्ट होगा हां जी बिल्कुल एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट थी जिनका नाम था कैरीमुलिस क्या नाम था इट वॉज डेवलप्ड बाय कैरी अपने कैरी में नहीं है उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया है कैरी मोलिस नहीं बड़ा तो किया खैर इन द ईयर 1970 सब ने कुछ ना कुछ बड़ा किया यार सब अपनी फील्ड में कमाल कर रहे हैं कुछ ऐसे बोला नहीं जा सकता बिल्कुल बड़ा किया हां जी ये है कैरीमुलिस किस सन में लेकर आए 1970 में आए अगर ये नहीं आते तो बायोटेक आज हम हम ये चैप्टर पढ़ ही ना रहे होते हम ये चैप्टर इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये अपकमिंग फील्ड है और वो अपकमिंग सिर्फ पीसीआर की वजह से बनी क्या है ये पीसीआर पीसीआर बेटा वो टेक्निक है जिससे मान लो तुम्हारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है तुम इसकी वन मिलियन कॉपीज भी बना सकती हो फिर आदमी सोचता है मैम अगर एक डीएनए फ्रेगमेंट की कॉपीज बनानी है तो बेसिकली आप एप्लीकेशन ही तो कर रहे हो कॉपी बनाना मतलब रेप्लीकेट करना हाँ मैं रेप्लीकेशन कर रही हूँ तो मैम ये काम तो हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है कुछ दिन लगेंगे ये काम हो जाएगा बट मैं अगर आपको कहूं पीसीआर एक ऐसी मशीन है जो कुछ दिन नहीं लेती कुछ घंटे नहीं लेती कुछ मिनट्स में आपके डीएनए की मिलियन ऑफ कॉपीज बना देती है कुछ मिनट्स में मतलब विद इन वन डे विद इन टू थ्री आवर्स सालों नहीं लग रहे तुमको कुछ मिनट लग रहे हैं ठीक है थीके? कुछ मिनट लग रहे हैं तो ये पीसीआर काम कैसे करता है चलो बेटा कॉपी बनाते हैं हां जी तो मेरे पास है डीएनए सेगमेंट बना ले डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लो बेटा Yes, मेरे बच्चों मेरे साथ साथ करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर सवाल आता है आज के टाइम पे ये कोविड कोविड का टेस्ट क्या था बताओ कोविड तो सबको पता है है ना मेरे बच्चों कोविड के टेस्ट का नाम क्या था आर टी पी सी आर याद आया आर टी पी सी आर कराया कि नहीं कराया ये रैपिड टेस्टिंग है ये टेस्टिंग है वो टेस्टिंग है वोट इज पी सी आर यही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब पीसीआर एक ऐसी चीज है जो लैब में डायग्नोस्टिक्स के लिए भी यूज हो रही है बीमारी का पता लगाना कोविड में हम बीमारी का पता लगानी तो गए थे कि मेरा ब्लड सैंपल ले लो या मेरे नाक का सैंपल सलाइवा का सैंपल ले लो मेरे नोज का स्वब ले, ले लो और उससे बताओ कि मेरे को मेरे अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है उसने पीसीआर लगाया आप पता चल जाएगा कोरोना वायरस है या नहीं है तो ये आपका पीसीआर आज हम डिस्कस करने वाले बिल्कुल बेसिक भाषा में वैसे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफी है बट हम आज बिल्कुल इसका बेसिक करने वाले हैं तो तुम्हारे पास दो स्ट्रैंड है बना लू? हाँ जी पहला स्ट्रैंड मेरा प्राइम प्राइम तो प्राइम प्राइम टू टू देन थ्री तो अभी इनके बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं तो पता है अभी इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है मुझे इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है पहले एक कॉपी बना लेते हैं फिर देखते हैं सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में अलग करेंगे मान लो इसमें से तुम्हें इतना हिस्सा एम्प्लीफाई करना है इतना ये जिसको मैंने हाईलाइट किया ना रीजन टू बी एम्पलीफाइड ये वाला हिस्सा करना है सारा नहीं करना ऑब्वियसली डीएनए तो बहुत बड़ा है सारा डीएनए तो नहीं करना मुझे बीच का हिस्सा करना है तो सबसे पहले बेटा जी आप इन दो स्ट्रांड को जो कि चिपके हुए आपस में इनको अलग करो दिस फर्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड एज दिस स्टेप इज कॉल्ड एज डी नाचुरेशन क्या नाम है बेटा जी इस स्टेप का इस स्टेप का नाम है डी नाचुरेशन ये जो डी है ये आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर करोगे दिस करोगेचर इज कॉल्ड एज 94 डिग्री सेंटीग्रेड क्या नाम है बेटा इसका 94 याद करना है का मतलब है आपने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया डी कर दिया बीच के बॉन्ड तोड़ दिए बीच के बॉन्ड तोड़ दिए मतलब अब फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम अलग हो गया और थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम अलग हो गया कर दिया हां जी मेरे बच्चों कर दिया सबने अलग अलग कर दिया अब बेटा आपने इनकी कॉपीज़ बनानी है कॉपीज़ अचानक से खुद नहीं बनती है सबसे पहले हम यूज करेंगे ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स याद करो डीएनए डीएनएकेशन क्या डीएनए डीएनएकेशन में डीएनए पॉलीमरेज खुद से इनिशिएट कर सकते थे बताओ खुद से कर सकते थे खुद से नहीं कर सकते थे हमें किसकी जरूरत पड़ी एक छोटे से प्राइमर की जरूरत पड़ी थी फिर उससे फाइव प्राइम तो टू प्राइम हमारी थ्रीमारीशन चालू हो रही थी यहां पर भी इसकी कॉपी बनाने के के प्रोसेस लिए मुझे छोटे छोटे सेगमेंट चाहिए इन सेगमेंट्स को मैं बोलती हूं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर तो यहां लगा दू पहला मैंने यहां लगाया ये देखिए यस ये मैंने लगा दिया किस डायरेक्शन में जाएगा अगेन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस दिशा में जाएगा एंड दूसरा मैंने यहां पर ये यह बाजार में मिलते हैं अब तुम कहोगे बाजार में बेटा जैसे सब्जी की मंडी लगती है वैसे इसकी भी लगती है प्राइम प्राइम टू ये सब मार्केट में मिलते हैं बेटा लैब प्रोडक्ट्स में आता है ये ठीक है आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑर्डर कर सकते हो प्राइमर्स को ऑर्डर कर सकते हो आप ऑर्डर करते हो फिर वो बंदा लेके आता है छोटे छोटे पाउडर्स फॉर्म में ठीक है जी तो मैंने यहां पर क्या लगाए मैंने यहां पर लगाए ओलिगो न्यूक्लियोटाइड ओलिगो न्यूक्लियोटाइड छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स लगा दिए अब मान लो तुम कोरोना की टेस्टिंग कर रहे होते तो तुम कैसे प्राइमर लगाते तुम प्राइमर लगाते जो कि कोरोना वायरस के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब द सेगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द वायरल जिनोम हम उसी टाइप का प्राइमर यूज करते तो अगर तुम्हारे अंदर वायरल जिनोम होता तो ये प्राइमर जाके जुड़ जाता अगर वायरल नहीं होता तो नहीं जुड़ता। अगर जुड़ गया, मतलब तुम्हारे अंदर दी है, तो है। तो प्राइमर लेकर आई और उनको जोड़ा अब अपने आप नहीं जुड़ते हैं यार प्राइमर इनके लिए भी आपको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना पड़ता है एंड इस प्रोसेस को जिसमें ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर कॉम्प्लीमेंटारिटी के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिव स्ट्रैंड पर जाकर जुड़ जाएंगे इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अनिलिंग यस दिस इज द सेकंड प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एज अनिलिंग अनिलिंग मतलब जुड़ना इसके लिए भी प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए कितना पचास से साठ या पचपन से पैंसठ फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी और फिफ्टी टू सिक्सटी तो मैं रेंज लेकर चल रही हूं 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड टू सिक्स ही ऐसी है जो में चेंज करती है मान लो तुमने एक मिनट के लिए डीनेचुरेशन करी तो वो एक मिनट तक 94 फोर टेम्परेचर रहेगा फिर एक मिनट के बाद तुम्हारा अनिलिंग शुरू हो, हो रहा है तो अगले दो मिनट के लिए 50 डिग्री टेम्परेचर रहेगा बेटा इस इस मशीन की खासियत ये है कि टेम्परेचर बहुत क्विक चेंज करती है इसीलिए इस मशीन को थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं थर्मोसाइक्लर यस मेरे बच्चों तो दो स्टेप्स हो गए डीनेचुरेशन एंड अनिलिंग अनिलिंग के बाद अब आप चाहते हो कि यार कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैंड भी आगे की तरफ बढ़े और ये वाला स्ट्रैंड भी आगे की तरफ बढ़े क्या चाहिए डीएनटी है ना पढ़ा हुआ तुमने ये जो डीएनटीपीज है मतलब एटीसीजी चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से कौन लगाता है कौन जोड़ेगा कौन बेटा इनको कॉम्प्लीमेंटारिटी अच्छा ए है जी फेंक देते हैं सी है ए फें जी फेंक देते हैं राइट कौन भेजेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज भेजेगा कौन जोड़ता है पॉलीमरेज जोड़ता है वेरी गुड बेटा आपस में बातें करते रहोगे क्या या मेरे से बात करोगे जो मैं पूछ रही हूं उसका आंसर नहीं दे रहे हैं है ना उसका आंसर नहीं दे रहे हैं हां जी बेटा यस कौन भेजेगा तो तुम बोलोगे पॉलीमरेज लाइगेज नहीं करते हैं याद करो ओरिजिनल ये तुम्हारी आर्टिफिशियल रेप्लीकेशन हो रही है एक तरीके से लैब में इन विट्रो रेप्लीकेशन में बोल सकती हूँ ये काम डीएनटीपी को कॉम्प्लीमेंटारिटी के हिसाब से लगाने का काम कौन करता है पॉलीमरेज अब जो डीएनए पॉलीमरेज हैं वो इतने हाई टेम्परेचर पे तो काम ही नहीं करते सोचो 50 डिग्री 94 डिग्री इतने हाई टेम्परेचर पे बेटा जी ये काम नहीं करते हैं तो हम एक स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमरेज लेकर आते हैं उस पॉलीमरेज का नाम है टैक पॉलीमरेज क्यों लेकर आए क्योंकि नॉर्मल पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर पे काम नहीं करता ये टैक का नाम टैक क्यों है टी फॉर थर्मस क्यू फॉर अक्वाटिकस ये कौन है थर्मस एक्वाटिकस कौन है बेटा जी ये एक बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया मुझे हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स मतलब जहां पर 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं इन बैक्टीरिया से मैंने हीट स्टेबल पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट किया है बैक्टीरिया से लिया पॉलीमरेज एंजाइम लिया है और उस पॉलीमरेज का नाम रखा है पॉलीमरेज ये हीट स्टेबल है मतलब हाई टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता हाई टेम्परेचर पे काम कर लेती है वैसे एनजाइम्स वर्क एट वेरी स्पेसिफिक टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव के बीच में ही काम करते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे लेकिन ये एक्सेप्शन है ये एक्सेप्शन है ये एक ऐसा एंजाइम है जो 25 से 35 नहीं 25 से 40 नहीं ये वाला एंजाइम हाई टेम्परेचर पर 94, 70, 75, 72 इस पे काम करेगा तो यार तुम क्या करोगे अब इसको ट्रीटमेंट दोगे किसका टैक पॉलीमरेज का समझ रहे किसका ट्रीटमेंट देंगे बेटा जी टैक पॉलीमरेज का ट्रीटमेंट देंगे तुमने ऑलरेडी मीडियम में क्या डाल रखा है डी डाल रखे तो अब बेटा ये प्राइमर आगे की तरफ एक्सटेंड होंगे यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंटरी कॉम्प्लीमेंट्री भी स्ट्रैंड बनेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी स्ट्रैंड बनेगा है ना चलिए ये अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट था जिसको मुझे एम्पलीफाई करना था ये देखिए डिजायर्ड इज टू बी अब फटाफट से प्राइमिंग लिख लो दिस इज फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम अगेन फाइव प्राइम थ्री प्राइम फाइव प्राइम थ्री प्राइम, प्राइम तो बन गए बन गए बेटा जी तो एक डीएनए के स्ट्रैंड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए से मैंने दो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिए। देखिए एक फ्रैगमेंट ये ये वाला और दूसरा फ्रैगमेंट आपका ये वाला। yes! अलग ये वाला। अलग-अलग दिखा दो इसको। लीजिए तो मेरे पास यहां पर दो फ्रैगमेंट बन चुके हैं इस तरीके से मेरे पास दो फ्रैगमेंट बन चुके हैं तो यही तो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए अब मैंने एक साइकिल में एक बारी चलाया बेटा पीसीआर एक बारी पीसीआर चलाने का मतलब है डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड अल्टीमेटली आपने लास्ट स्टेप का नाम होता है एक्सटेंशन ये एक्सटेंशन भी एक सेपरेट टेम्परेचर पर किया जाता है दैट इज 72 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब एक साइकिल पीसीआर का चलाने के लिए डी ए ई करना पड़ेगा वन साइकिल ऑफ पीसीआर में तुम अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन अब मुझे ए, एक डीएनए की दो कॉपीज तो नहीं चाहिए मुझे तो बेटा इसकी बिलियन ऑफ कॉपीज चाहिए है ना मतलब मुझे ये काम बारी 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 करना पड़ेगा बारी बारी पीसीआर लगेगा पहले एक एक डीएनए का लगा दो बने अब इन दोनों का लगेगा चार बनेंगे फिर चारों का लगेगा आठ आट बनेंगे आठों का लगेगा सोलह बनेंगे यानी कि मैं जितनी भी कॉपीज लूंगी उस हिसाब से मेरा डीएनए एम्प्लीफाई होता जाएगा एंड द रिजल्टेंट कॉपीज़ कॉपीज़ रिजल्टेंट विल बी टू रेस टू पावर एन एन इज नंबर ऑफ साइकिल एन इज नंबर ऑफ साइकिल आप जितनी बारी पीसीआर चलाओगे उतना ही आपका डीएनए एम्प्लीफाई होता जाएगा मान लो तुमने पीसीआर

एक साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स यस yes. एक साइकिल के अंदर बेटा जी आपके तीन स्टेप्स डी ए साइकिल बेटा बारी बारी रिपीट होगा तो अल्टीमेटली तुम्हारे डीएनए कॉपीज बन जाएंगी टू रेस्ट टू पावर एन ठीक है तो पेपर में क्या आता है इसका अरेंजमेंट आता है कि पहले डी नेचुरेशन आता है या पहले अनिलिंग आता है पहले एक्सटेंशन आता है तो याद रखना है डी ए ई मैं इसको बोलती हूं बेनी होता आजकल आजकल लोग अपने पार्टनर को बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को क्या बोलते हैं बे स्नैपचैट की भाषा में बोलते हैं ना बेटा स्नैपचैट की भाषा में तो बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा जी बे बी ए बिफोर एनी वन एल्स इस पर तो मूवी भी आ रही है कोई तो आ रही है यार पता नहीं आ चुकी है या आनी है बे बिफोर डे समथिंग लाइक दैट अनन्या पांडे की पता नहीं मुझे ठीक है तो जैसे बे होता है ना वैसे डे डी ए डी नेचुरेशन अनिलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन अनिली को पता लगाना पीसीआर की मदद से आप कर सकते हैं और साथ में बेटा डिजीज डायग्नोसिस करनी है कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फॉसिल की स्टडी करनी है आप पीसीआर लगा सकते देखो जो लोग फॉसिल की स्टडी करने जाते हैं पेलियोटोलोजिस्ट उनको तो कितना कम डीएनए मिलता है सैंपल किसी का बाल मिल गया बहुत नीचे नीचे स्केलेटन का छोटा सा दांत मिल गया अब उस दांत में कितना ही डीएनए निकलेगा उस डीएनए से कैसे काम करेगा आदमी एम्प्लीफाई करोगे ना तो फॉसिल की स्टडीज में भी पीसीआर इज वाइडली यूज्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमने पढ़ा था एमबीआई में वहां पर भी पीसीआर यूज होती है ठीक है जी यस अब यार यहां पर अपने ने फ्रेगमेंटेशन करी सेपरेशन करा और कौन सा स्टेप बच गया एक मिनट देखना एक स्टेप मुझे लग रहा बच गया हाँ एम्प्लीफिकेशन तक हो गया यस अब अपने वेक्टर के साथ उसको जोड़ देंगे स्टेप नंबर फाइव पे चलते हैं बेटा जी आर यू विद मी टेल नाउ यार मैंने नहीं बोला तो तुमने सेशन को लाइक नहीं किया क्या बात है बच्चों हैं मैं नहीं बोलूंगी तो नहीं लाइक करोगे बताएं क्या बात है कल का ड्रेस कोड पता है ना सबको कल वाली क्लास में ऐसे नहीं आना है ड्रेस कोड है बेटा इंडिपेंडेंस डे क्लास है मैं भी व्हाइट ड्रेस में आऊंगी तुम भी व्हाइट ड्रेस में आओगे जस्ट टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डे ठीक है यू कैन वी ऑर व्हाइट शर्ट यू कैन वी ऑर व्हाइट कुर्ता यू कैन वीर वी ऑर व्हाइट पैंट व्हाइट शॉल जो भी आप पहनना चाहें आप देशभक्ति के रंग में लीन होने चाहिए ठीक है तो कल और क्यों आएंगे मैम आप तो हमें देख नहीं सकते हो तो कोई बात नहीं आप अपने डिवाइस के साथ सेल्फी लेंगे मीन व्हाइट कलर

और इसको भी नहीं किया ये सेशन का लिंक ऑलरेडी पिंड है ऑलरेडी पिंड है दिख रहा है यस कैन यू सी फटाफट से लाइक करो तब अगला स्टेप कराएंगे खत्म हो रहा है बस आज का चैप्टर यस नेक्स्ट स्टेप तब होगा फिफ्थ नंबर स्टेप फटाफट से लाइक करो कल के सेशन को भी और आज के सेशन को भी हाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव हम भी तो मनाएंगे सारा देश मना रहा है तो हमारा मनाना भी तो बनता है है कि नहीं इंस्टा नहीं है तो ऐसे ही शेयर कर देना डीएम कर देना टेलीग्राम पे मैं तुम्हारा टेलीग्राम पे अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी ठीक है टेंशन नहीं लेनी है नहीं है कोई बात नहीं कोई बात नहीं यहाँ मेरे साथ शेयर कर देना ठीक है ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है सी पाउजा बायोलॉजी ऑफिशियल जब तुम लिंक देखोगे तो इट इज़ टी डॉट मी स्लैश सीप मैम ठीक है टी डॉट मी स्लैश सी मैम इस पर जाओगे ज्वाइन कर लो इसको सारे नोट सारी डीपीपी इस पे मिलती हैं एंड साथ में आप क्या करेंगे and साथ में बेटा जी आप क्या करेंगे मुझे यहां भेज देंगे ओहो मैं कहा गई रुको चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब यार आपको अपने डीएनए को उससे जोड़ देना है तो फिफ्थ स्टेप डन है वेक्टर रेडी है जीन ऑफ इंटरेस्ट रेडी है लाइगेशन लाइगेशन मतलब जोड़ना किसको डीएनए को डिजायर्ड डीएनए को विद वेक्टर बताओ किस एंजाइम से जोड़ेंगे तुम बोलोगे मैम वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ लाइगेस अब जोड़ दिया जोड़ने के बाद ये मान लीजिए आपका वेक्टर था वेक्टर में मेरा ये डिजायर्ड डीएनए था और ये कौन है मेरे पास होस्ट है ये बेटा जी कौन है मेरे पास होस्ट है अब इस होस्ट के अंदर इस डिजायर्ड डीएनए को घुसाना है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये कैसा डीएनए है स्टेप नंबर है. रहे हैं स्टेप नंबर में इंसर्शन मेरे को करना है इंसर्शन के लिए सबसे पहले आपको होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है सो फॉर इंसर्शन होस्ट हैज टू बी कॉम्पिटेंट क्यों वही क्यों कॉम्पिटेंट इसलिए बनाना है क्योंकि बेटा होस्ट के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल पता है ना तुम्हें पोलर हेड नॉन पोलर टेल पोलर मॉलिक्यूल है वो आसानी से डीएनए को नहीं लेता तो पहले आपको होस्ट को ऐसा बनाना है कि कम से कम ये इससे जाकर चिपक जाए चिपके तो चिपकना ही आसान नहीं है अगर कॉम्पिटेंट बन गया ना तो फिर डीएनए होश पर जाकर चिपक जाएगा तो कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बैक्टीरिया को अगर तुम्हें कॉम्पिटेंट बनाना है तो तुम क्या करते हो फॉर कॉम्पिटेंसी यू ट्रीट इट विद डायवेलेंट केटाइन ट्रीटमेंट विद डायलेंट केटाइन कौन है डायवेलेंट केटाइन हां जी ये भी बताना पड़ेगा तुमको सी ए सी एल टू कैल्शियम आयन पॉजिटिव दिस इज के जब आप इसका ट्रीटमेंट करते हैं बैक्टीरिया का इसके साथ ट्रीटमेंट करते हैं तब जाकर बेटा ये एटलीस्ट जाकर चिपक पाता है अभी क्या हुआ है सिर्फ चिपका है बट क्या चिपकने से बात बनती है सिर्फ चिपकने से बात भी नहीं बनती है इसके अंदर घुसाना है घुसाने के मेथड को क्या बोलते हैं घुसाने के मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एंट्री Entry of recombinant DNA into the host molecule. अभी तक तो सिर्फ आपने चिपकाया है चिपकाया कैसे? के 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 से. चिपकाने के बाद आपको इसको अंदर अंदर भेजना है. है भेजने के लिए मान लो आपका तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेटा जी प्रोसेस बताने वाली हूं ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये मैं तुम्हें तो बता रही हूं बायोटेक में से क्वेश्चन बड़े सीधे आते हैं जिसको समझ आ गया ना वो बच्चा बायोटेक के क्वेश्चन देख के बागो बाग हो जाएगा कि यार क्या सवाल है क्वेश्चन आता है स्ट्रेनिंग किससे करेंगे ईटीबीआर देखेंगे किसमें यूवी रेज में, में. बैंड कौन से कलर के मिलते हैं ऑरेंज कलर के पीसीआर का ऑर्डर बता दो डीनेजरे एक्सटेंशन इससे आसान बायोटेक से आसान तुमको क्वेश्चन नहीं मिल सकते बायोटेक से आसान ठीक है तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में करनी है तो हम उसको हम यूज करेंगे द मेथड ऑफ हीट शॉक यस द मेथड यूज इज हीट शॉक आप सबने गोलमाल देखी है गोलमाल है भाई सब गोलमाल है गोलमाल नहीं। नहीं अजय देवगन वाली गोलमाल। गोलमाल पता नहीं, टू है है। कि में यार एक सीन है जिसमें जॉनी लीवर भी है अजय देवगन भी है पता नहीं वो ना आदमी को ऐसे बड़ा सा तवा होता है जिस तवे तो पे टिक्की बनती है ना टिक्की पापड़ी वाली बड़ा तवा होता है ऐसे तो वो पता नहीं किसी को तवे के ऊपर रखने का वो देते हैं मतलब ऊपर से ऐसे लटका के रखते हैं कि तवे पे ठीक है तो अपना जीनोम भी होगा हो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्रांसफॉर्म होस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको पहले उस गर्म तवे पे रख दोगे फिर अचानक से बर्फ पे रख दोगे फिर गर्म तवे पे रख दोगे फिर अचानक से तुम उसपे रख दोगे तो यही करना है ठीक है तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या देते हैं हीट शॉक हीट शॉक का मतलब है पहले मान लो तुमने इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा 42 डिग्री सेंटीग्रेड फिर उसके बाद फिर से किसपे रख दिया आइस पे फिर इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा फिर आइस पे फिर 42 डिग्री आइस पे तो तवा बर्फ तवा बर्फ तवा बर्फ तवा बर्फ करते करते जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाती है उसमें छेद हो जाते हैं पोरस हो जाती है और पोरस होने का मतलब है ये इसके अंदर घुस जाएगा दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले आपने होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाया कैसे के ट्रीटमेंट से फिर आपने उसमें धक्का मारा कैसे छेद कर दिए यार वॉल में छेद कैसे हुए विद द हेल्प ऑफ हीट शॉक क्या ये सब में ऐसे करना होता है प्लांट में भी ऐसे करें बैक्टीरिया में भी ऐसे करें नहीं सब में ऐसे नहीं करना होता मान लीजिए ये तो बैक्टीरिया के लिए हीट शॉक इज एप्लीकेबल ओनली टू बैक्टीरिया ओनली टू बैक्टीरिया मान लीजिए आपका होस्ट एनिमल सेल है एनिमल सेल है तो तो यार तुम ट्रांसफॉर्मेशन में वेक्टरलेस मेथड वेक्टर की मदद से जा सकते हो दिस इज वेक्टरलेस मेथड एंड वेक्टरलेस में हम लोग यूज करेंगे माइक्रो इंजेक्शन तो एनिमल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एंट्री ऑफ डिजायर्ड डीएनए बिना वेक्टर के घुसा सकते हो कोई वेक्टर नहीं भी यूज किया ना कोई रेट्रोवायरस शटल वेक्टर नहीं यूज तुम डायरेक्टली डाल सकते हो जैसे मान लो ये तुम्हारी पेट्री डिश है इस पेट्री डिश पे ये पड़ा मेरा सैंपल ठीक है ये उसके अंदर न्यूक्लियस है क्या लेके आओगे इंजेक्शन लेके आओगे ठीक है ये तुम क्या लेके आए ये देखिए इंजेक्शन लेके आए और ये देखिए जस्ट अ लेट मी ड्रॉ द इंजेक्शन ये इंजेक्शन है इंजेक्शन लेके आए और डायरेक्टली अपने डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डाल दिया ये तुम्हारा न्यूक्लियस था ये जो मैंने व्हाइट कलर का बनाया दिस वॉज न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस के अंदर सीधा तुम अपना डिजायर डीएनए इंजेक्शन की मदद से खोल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन एक तो वेक्टर की मदद से कर सकते हो सीधा डायवेलेंट के टाइम के ट्रीटमेंट से हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है और वेक्टरलेस मेथड ये है जिसमें हम माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं अनदर वन यस अनदर वन इज जस्ट अ सेकेंड बेटा माइंड मैप आ गए हैं आपके भैया क्या चाहते हैं जस्ट अ सेकेंड हाँ जी ओटीपी चाहते हैं यार यस yes, एक मिनट ओ टी पी दे दू दे दिया ठीक है आप ही का सामान आया यार हाँ जी अब हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर प्लांट सेल और प्लांट सेल में डायरेक्ट वेक्टरलेस मेथड में करते हैं वेक्टरलेस में हम प्लांट सेल में यूज करते हैं जीन गन कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा जी जीन गन किसके पास गन है बेटा मेरे घर में बच्चे नहीं है नहीं तो मैं तुम्हें गन लेके आके दिखाती कि हम जीन गन में एक्चुअली में कर क्या रहे हैं यस जीन गन को इधर डाल देती हूँ ये है प्लांट सेल यस प्लांट सेल में हम क्या यूज कर रहे हैं जीन गन को यूज कर रहे हैं जीन गन में क्या कर रहे हैं एक बंदूक लेके आ रहे हैं तो ले आओ ये रही बेटा मेरी बंदूक बंदूक मेरी ले लो बिल्कुल सही में बंदूक की तरफ दिखाई देती है ऐसी होती है बंदूक यस ठीक है तो जीन गन में हमने किया क्या है हमने डीएनए को डीएनए के अराउंड गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर दी है सो हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए तुम ये देखो ये मेरे पास गोल्ड है मान लो ये गोल्ड का पार्टिकल है गोल्ड गोल्ड का का कलर कलर ले लेते हैं होता है इस मान लीजिए तो ये लीजिए मान लीजिए गोल्ड है इस गोल्ड के अराउंड मैंने अपने डीएनए की कोटिंग कर दी पूरा डीएनए लगा दिया ठीक है और ये गोल्ड और टंगस्टन इसीलिए यूज किया क्योंकि हाई वेलोसिटी पार्टिकल है सो दिस इज गोल्ड और टंगस्टन टंगस्टन विच आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल समझ रहे हो इसके अराउंड मैंने अपने डीएनए की कोटिंग कर दी है ये मेरा डीएनए है ठीक है डीएनए है और इनको इस बंदूक में से निकालना है इस बंदूक में बेटा ये सब ये दोनों चीजें सो डीएनए इज कोटेड विद गोल्ड और टांगस्टन विच आर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स एंड दे आर बम्बार्डेड फ्रॉम दिस जीन गन ये जीन गन में से पार्टिकल निकलेंगे पार्टिकल हाई वेलोसिटी वाले हैं तो साथ में मेरा डीएनए रैप था इसके ऊपर डीएनए भी दौड़ पड़ा और डीएनए अल्टीमेटली पहुंच जाएगा तुम्हारे प्लांट सेल में किसमें पहुंच जाएगा बेटा जी प्लांट सेल में ठीक है यस ये मेथड किसमें यूज होता है बैक्टीरिया एनिमल या प्लांट तुम मुलोक ये मेथड यूज होता है प्लांट में बंदूक चलानी है जीन गन इंजेक्शन किसको खोबना है एनिमल सेल बंदूक किसमें लगानी है प्लांट सेल किसके अराउंड कोटिंग करते हैं डीएनए की गोल्ड और टंगस्टन क्यों क्योंकि ये हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स हैं तो अगर वो तेजी से जाएंगे तो मेरा जो डीएनए उन पर रैप्ड है वो भी तेजी से जाएगा और दौड़ते हुए प्लांट का सारा मेम्ब्रेन तोड़ते हुए पहुंच जाएगा अंदर न्यूक्लियस में इसमें कोई वेक्टर यूज किया वेक्टर यूज नहीं किया यानी कि ये वाला मेथड भी क्या है वेक्टरलेस मेथड है. है कि नहीं मैंने यहां पर एग्रो तो यूज नहीं किया ना जो पिछली क्लास में बताया था ये भी वेक्टरलेस मेथड है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है ठीक है पी 2023 क्यू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बिल्कुल सही पिछले साल ये, इसी साल आया यही है पीवाई क्यू और यही सवाल बनेंगे मैं ना इसका एक स्पेशल क्लास लूंगी स्पेशल क्लास का लिंक बेटा जी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी तो मेक श्योर दैट यू आर दैटरिंग सब बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं हाँ इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं यहां पर मैं इसके टेस्ट का लिंक दूंगी वो वो टेस्ट हम स्पेशल क्लास में करेंगे करेंगे यस yes, कोई भी डाउट है बेटा जी आप उसमें आके पूछ सकते हैं कोई भी डाउट है आप उसमें आके मेरे से पूछ सकते हैं इसके अलावा बेटा और कौन सा मेथड है इसके अलावा डिसाम्ड पैथोजन का भी तो मेथड है सो मेथड नंबर कौन सा नंबर चल रहा है सेवेंथ नहीं आ आ रुको गलत जगह ऐड कर दिया मैंने थ्री फोर यस मेथड नंबर फोर डिसार्म्ड पैथोजन अगर तुम्हें वेक्टर के साथ ही करना है तो तुम वेक्टर वाला मेथड भी कर सकते हो वेक्टर मीडिएटेड मेथड ठीक है वेक्टर वैक्टरमीडिएटेड में हम डिस करते थे किसको करते थे एग्रो बैक्टेरियम ट्यूमिफेशन को करते थे लास्ट क्लास में बताया था ये yes no. और नो और एनिमल सेल के केस में हम लोग रेट्रोवाइर को करते थे ठीक है ये कौन सा प्लांट सेल के केस में और ये वाला हम लोग एनिमल सेल के केस में ये वाला मेथड तो है ही है मेरे पास ठीक है और क्या कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रोपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से भी अंदर घुसा सकते हो यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यूज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बेटा जी हम पीईजी पीईजी क्या है पॉलीथाइलिन पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल ठीक है ये भी फॉरेन डीएनए को अंदर घुसाने में हेल्प करता है ठीक है दिस अ कंपाउंड व्हिच हेल्प्स इन द प्रोटोप्लास्टिक फ्यूजन और ये भी फॉरेन डीएनए को होस्ट के अंदर इंसर्ट करने में मदद करता है ओके okay जी तो यह बात हो गई आपके ट्रांसफॉर्मेशन की पहले कॉम्पिटेंट बनाना है कॉम्पिटेंट बनाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अब मेरा कंडीशन क्या है कंडीशन है यस यस हां जी अब मेरे पास कंडीशन क्या आ चुकी है बेटा होस्ट बन चुका है ये देखिए होस्ट बन चुका है और ये देखो ब्लू कलर का ही लेती हूं यार होस्ट बन चुका है होस्ट के पास अपना जीनोम साथ ही में ये मेरा डीएनए मॉलिक्यूल है किस रंग का बनाया था उसी रंग का बना लेते हैं ओके ये देखिए वेक्टर है वेक्टर में, में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि अब होस्ट के अंदर एक सिंगल होस्ट सेल के अंदर मामला घुस चुका है बेटे देख रहे हो मैंने बोला आपके लिए मैं कितना ज्यादा एफर्ट कर रही हूं एक नया सरप्राइज आने वाला है बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है दिखा दू थोड़ा सा अरे नहीं अभी नहीं दिखा सकते हैं कुछ तो आने वाला है यस समथिंग इज गोइंग टू कम इज गोइंग टू कम थोड़ा सा हिंट दूंगी बस और नहीं है ना आप ही के लिए आया है। स्पेशली मंगाया है। माइक्रोनोट yes. सही कह रहे हो सही कह रहे हो बेटा अगर आप मेरे प्लस वाले बच्चे हैं तो आप मेरी नेचर जानते हैं और अगर आप मेरे प्लस वाले बच्चे नहीं भी हैं मुझसे यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आप और अच्छे से जानेंगे कि आई हैड बिन वर्किंग कॉन्टिन्यूसली टू प्रोवाइड यू ऑल द रिसोर्सेस विच आर रिक्वायर्ड सारे रिसोर्सेस आप जरा पूछिए प्लस वाले बच्चों से जाकर उनको सारे नोट्स, उनके सारे टेस्ट उनके सारी डीपीपी उनके सारा मटेरियल, उनके पीडीएफ्स और अब ये अगली चीज आने वाली है अब ये किसको मिले उनको तो मिलेगी मिलेगी ऑफकोर्स को मिलती है नहीं मिलती इसके लिए मैं फाइट मारूंगी पूरी ठीक है ये खुद मैंने कह कर खुद बनाई है अब ये प्रिंट होके आई है जैसा कि आप जानते हैं मेरी बुक भी आ रही है समय लगा लेकिन दुरुस्त आएगी देर आएगी पर दुरुस्त आएगी इसी मंथ के एंड में आ रही है वैसे ही बेटा दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लॉन्च बाई मी एंड इस पर भी मैंने बहुत काम किया है पहले खुद अपने हाथ से बनाए हैं फिर हाथ से बनाने के बाद डिजाइनर को दिया है उसने पूरा उस पर काम किया है सुंदर किया है उसको अल्टीमेटली वो प्रिंट होके आ गए हैं उसको मैं रिव्यू करूंगी सब सही होगा तो आप सबको दूंगी और काफी बड़े बड़े ब्यूटिफुल मजा आ जाएगा पढ़ के है ना वाई वालों की टेस्ट का लिंक मेरे टेलीग्राम पे आएगा अब तुम मेरे टेलीग्राम पे हो के नहीं आ जाना है ना सबर सबर टूट रहा है अब तक तो दिख दिख गया था क्या है थोड़ा सा मैंने हल्के में बता ही दिया था ज्यादा ज्यादा देर तक तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी इसको ठीक है मैं मेरे को रिव्यू करने दो कोई गलती वलती हुई मैं ठीक कर लू फिर आप ही के लिए यार महीने में आ जाएगी आपके लिए आपके लिए है सब कुछ ठीक है Yes, सबको मिलेगा सबको दूंगी सबको सबको तरीका दूंगी कैसे लेने ठीक है हाउ टू डू टेलीग्राम डाउनलोड टेलीग्राम ऐप सर्च माई नेम ऑन इट ज्वाइन माई ग्रुप उसमें अराउंड वन लैक सेवेंटी थाउजेंड कुछ बच्चे कर दो हैं सिक्सटी नाइन हो गए हैं तुम सेवेंटी कर दो उसको फटाफट से और बेटा उस टेलीग्राम को अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर किया करो कल की क्लास में एनरोलमेंट मुझे दिख नहीं रहा है नोटिफाई मी पे क्लिक हुआ नहीं है कल की क्लास में मैं देख रही हूँ यार आई एम लुकिंग एट दिस कल एक स्पेशल क्लास आपके लिए स्पेशली रखी है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल आधे ज्यादा जनता बेटा छुट्टी पे है कल बट मैंने कहा मैं आऊंगी बच्चों से बात करूंगी और उनको किससे इंडिपेंडेंस डे उनको किससे आजादी चाहिए हम उस पर बात करेंगे और एम्स का रास्ता एम्स का द्वार कैसे खुलता है उस पर बात करेंगे सबको दूंगी डोंट वरी ठीक है चलो अब यार काफी ज्यादा काम हो चुका है

रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होस्ट के अंदर डाल लिया होस्ट कोई भी हो सकता है एक सेल से बात बनती है बताए क्या एक सेल से बात बनती है बहुत है एक सेल चलो जी अब खुश हो जाओ पार्टी कर लू आज रात को सारे लैब वालों को बुला के पार्टी कर ली अरे मेरा तो होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट वेक्टर घुस गया घुस गया घुस गया उससे क्या होगा मुझे इसका प्रोटीन बनाना है किसका? मुझे बेटा जी इसका प्रोटीन बनाना है एक सेल से कुछ नहीं होगा मुझे इस सेल की कॉपीज बनानी है कॉपीज़ बनाने के लिए कैसा कंडीशन कंडीशन। मेंटेन करना पड़ेगा? जो कि कौन से इंजीनियरिंग का पार्ट है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग याद आया फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट स्लाइड बायो प्रोसेस जो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग थी एक बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग थी अब दो तरीके हैं कॉपी बनाने के एक सेल आ गया सिलेक्ट भी कर लिया है इसको लैब में लेके जाओ लैब में बेटा ऐसे कोनिकल से फ्लास्क होते हैं ना इस फ्लास्क के अंदर इस सेल को डाल दो मीडियम डाल दो और ये मल्टीप्लाई करेगा इस फ्लास्क में कितनी जगह है? एक के सौ हजार दस हजार एक लाख दो लाख दस लाख दस लाख सेल बन जाएंगे क्या दस लाख सेल से मैं रिक्वायरमेंट पूरी कर पाऊंगी मान लो ये कोई वैक्सीन का डीएनए इससे कोई वैक्सीन बननी है

मेक इट्स मल्टीपल कॉपी ऑन लार्ज स्केल क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट चाहिए वैसे छोटे छोटे फ्लास्को में नहीं होता है उसके लिए बड़ा बड़ा टैंक चाहिए होता है जिसको हम फर्मेंटर्स या फिर बायो रिएक्टर्स बोलते हैं क्या बोलते हैं फर्मेंटर या फिर बायो रिएक्टर क्योंकि अल्टीमेट एम इज नॉट टू डू वर्क छोटा छोटा काम तो चलता रहता है अल्टीमेट एम इज बड़े स्केल पर कोई दवाई बनानी वैक्सीन बनानी या एंटीबायोटिक बनानी उसके लिए बड़े बड़े टैंक्स यूज होते हैं क्योंकि एक बारी में आप बहुत बड़ा कल्चर करते हो जगह भी तो होनी चाहिए यार इस सेल के तुम्हें वन बिलियन कॉपीज बनानी है जगह भी तो होनी चाहिए इसके अंदर तो जगह ही नहीं है ना तो हम किसका यूज करते हैं रिएक्टर का यूज करते हैं ठीक है जी ये मेरा प्रोटीन कोडिंग जीन है इसको हम किसी अलग ही होस्ट में एक्सप्रेस करा रहे हैं तो इस होस्ट को हम बोलते हैं हेट्रोलोग होस्ट तो मान लीजिए मेरा होस्ट कौन सा है हेट्रोलोगस होस्ट है समझ गए मेरा होस्ट कौन सा है हेट्रोलोगस होस्ट मतलब मैंने अपने प्रोटीन एनकोडिंग जीन को हेट्रोलोगस होस्ट के अंदर एक्सप्रेस कराया तो यहां से जो प्रोटीन बनेगा जो भी मैं प्रोटीन बनाऊंगी उस प्रोटीन को बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यानी कि हेट्रोलोगस होस्ट मतलब क्या मान लो तुमको बनाना है इंसुलिन इमेजिन करो तुमको बनाना है इंसुलिन किसके लिए बनाना है बंदों के लिए बनाना है अपने लिए ह्यूमंस के लिए बनाना है ठीक है Humans के लिए बनाना है। तुमने इंसुलिन का जीन लिया अब ह्यूमन के लिए तुमको बनाना था लेकिन तुमने इस जीन की कॉपी e. में गिरी। e. एक ह्यूमन स्पीशी है आपने इसको किसी और स्पीशी के सेल के अंदर ग्रो किया यानी कि ये होस्ट मेरा क्या बन चुका है हेट्रोलोगस होस्ट बन चुका है ठीक है अब इस हेट्रोलोगस से मैं जो इंसुलिन बनाऊंगी ठीक है वो दूंगी तो किसको ह्यूमन को दूंगी तो ये जो इंसुलिन है ये कहलाएगा. तो मतलब क्या प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज प्रेजेंट इन हेट्रोलोगस होस्ट इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन इस प्रोटीन को हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ठीक है जी तो बनाए रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बड़े बड़े लार्ज स्केल पे काम करेंगे किसका यूज करेंगे फर्मेंटर्स का यूज करेंगे बेटा पहले के टाइम पे फर्मेंटर बोलते थे जिसमें एन एनअरबिक प्रोसेस होता था आज के टाइम पे ऐसा नहीं है आज के टाइम पे तुम फर्मेंटर्स में एरोबिक प्रोसेस भी कर सकते हो और एन अरोबिक प्रोसेस भी कर सकते हो तो फर्मेंटर क्या है एक बड़ा सा टैंक है ठीक है या फिर मैं इसको वेसल बोलूंगी ठीक है जिसमें ये पूरा प्रोसेस अपना कैरी ऑन होगा पूरा प्रोसेस मतलब जिसमें हम एक होस्ट से बिलियन ऑफ कॉपीज जीन क्लोनिंग बेसिकली हम करने वाले हैं ये लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप होगा लास्ट स्टेप इसके बाद आएगा अब यार ये जो मैं बड़ा सा टैंक लूंगी मान लीजिए मैंने टैंक लिया ये मेरा फर्मेंटर है ठीक है इस फर्मेंटर की कैपेसिटी बहुत होती है कितनी 100 लीटर से 1000 लीटर फ्रॉम 100 लीटर टू तो 1000 लीटर्स होती है इसी फर्मेंटर को मैं क्या बोलती हूँ बायो रिएक्टर भी बोल सकती हूं बायो भी बोल सकती हूं मुझे करना क्या है मुझे एक सेल से लाखों, बिलियन, मिलियन सेल्स चाहिए ये काम करना है और लार्ज स्केल पे करना है इसीलिए बड़ा सा वेसल यूज कर रहे हैं तो मैं एक ऐसा वेसल यूज करूंगी जिसमें एसेप्टिक कंडीशन बताना वन बाय वन यस फर्स्ट थिंग वुड बी आई वुड नीड ए तो नहीं हो सकती है ना तो यार जिस भी इनलेट से सामान डालेंगे और जिस भी आउटलेट से सामान निकालेंगे बड़ा क्लीन होना चाहिए वहां पर कंटामिनेशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ठीक है इस सी फर्मेंटर में मैं कोई ऐसी चीज लगाऊंगी जिससे मैं मिक्सिंग कर पाऊं इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया है सेल है मिक्सिंग है ऑक्सीजन है एरिएशन का मामला मैं सेट रखूंगी जैसे मान लो जब मुझे दही बनानी होती है लस्सी बनानी होती है दही से तो हम वो मधानी लेते हैं ना मधानी मिक्सिंग करती है वैसा ही हम ब्लेड्स का यहाँ पर अरेंजमेंट लेंगे जिससे प्रॉपर मिक्सिंग हो पाए हम यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन देंगे उसको क्योंकि ऑक्सीजन से ही सेल अगर एरोबिक प्रोसेस है ऑक्सीजन से ही वो सेल क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा ग्रो करेगा फिर बेटा जब ये मधानी चलेगी तो फोम बनेगी झाग बनेगी झाग इज नॉट गुड तो हम एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डालेंगे क्या डालेंगे एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डालेंगे क्योंकि उससे जो फोम बन रही है झाग बन रही है वो झाग क्या हो जाएगी कम हो जाएगी साथ ही बेटा कूलिंग के लिए भी सामान डालेंगे क्योंकि जब बेटा वो झाग बनेगी तो हीट जनरेट होगी हीट इज नॉट गुड फॉर माय प्रोडक्ट तो हम कूलिंग एजेंट्स भी साथ में यूज करेंगे जिससे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे पीएच भी मेंटेन करके रखेंगे ठीक है एसिड बेस बैलेंस यही है एसिड बेस बैलेंस एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे हर समय इसमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई रहेगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज बेटा एक फर्मेंटर या बायो रिएक्टर में होनी चाहिए है ना होनी चाहिए एक मैं आपको फर्मेंटर दिखा देती हूं जो बेटा आपकी एनसीआरटी बनाती है जिसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए तो ये देख रहे हो दो टाइप के फर्मेंटर बेटा दिखाती है फर्स्ट टाइप को देखो इस वाले को देखो दिस इज कॉल्ड एज टैंक बायो रिएक्टर नीचे नाम लिखा हुआ है सिंपल टैंक बायो रिएक्टर इसका बेस कैसा है कर्व्ड है सीधा नहीं है कर्व्ड बेस है इसमें क्या क्या लगा हुआ है ये देखो आ, मोटर लगी हुई है इस मोटर से चलेगा ठीक है एसिड बेस बैलेंस पीएच कंट्रोल करने के लिए मीटर लगा हुआ है स्टरलाइज करने के लिए भी सामान एक स्टीम दे रहे हैं ताकि स्टरलाइजेशन रहे एसेप्टिक कंडीशन रहे फोम ब्रेकर लगा हुआ है एंटी फोमिंग एजेंट ब्रेक करेंगे और साथ में फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर लगे हुए हैं ये मधानी की तरह चलने के लिए देखो ब्लेड्स लगे हुए बीच में देख रहे हो ये आपके ब्लेड्स लगे हुए हैं इन ब्लेड्स के मदद से क्या होगा जो दूर दूर भी सेल्स है ना थोड़ी दूर बैठे हैं उन तक भी ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ये सब पहुंच पाएगा ठीक है एंड यहां से का इनलेट आउटलेट भी प्रेजेंट है तो जैसे सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रियक्टर अब इधर आ जाओ अब इधर आ जाओ यस yes. इधर आ जाओ ये सेकेंड टाइप का बायो रियक्टर है जिसका नाम है स्पार्ड स्टर्ड टैंक बायो रियक्टर क्या है इसमें बेटा बेस इसका कर्व्ड नहीं है इसका बेस फ्लैट है दिख रहा है पहला डिफरेंस बेस क्या है इसका फ्लैट है नेक्स्ट चीज इसके पास में बेटा यहाँ पर ब्लेड लगा हुआ ये ये भी ऐसे ऐसे घूमता है ये देखो रोटेट होगा रोटेट होगा तो अगेन मिक्सिंग होगी न्यूट्रिएंट मीडिया विल सेल एंड ऑक्सीजन और यहां पर एक बात खास है एक बात खास ये है कि यहां पर नीचे से बबल्स निकल रहे हैं कैन यू सी ये बबल्स ये देखो Tank. क्योंकि बेटा यहाँ पर निकल रहे हैं और यह बबल्स सर्फेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ड्रामेटिकली ड्रामेटिकली बेटा सर्फेस एरिया को क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा तो समझ गए समझ गए बेटा यस, yes. यस yes, मेरे बच्चों तो यहां पर ना एक लाइन लिखी हुई मैं वो लाइन आपको पढ़ाती हूं कि क्या क्या होना चाहिए ये देखो ये लाइन मैंने आपको सिखा दिया जरा ये पढ़िए अब बायो रिएक्टर प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन टेम्परेचर सही होना चाहिए पीएच सबस्ट्रेट ऑक्सीजन ये सब क्या होने चाहिए बिल्कुल सही होने चाहिए ठीक है जी ये देखिए स्टर्ड टैंक जो है वो सिलेंड्रिकल है और कर्व्ड बेस के साथ है जिसमें प्रॉपर मिक्सिंग होती है ऑल्टरनेटिवली एयर कैन बी बबल थ्रू द रिएक्टर ये स्पार्ट वाले के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें एयर के बबल्स बनाए हैं ठीक है साथ ही में एक एजिटेटर सिस्टम है जो एजिटेट करेगा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है फोम कंट्रोलिंग सिस्टम होता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है पीएच कंट्रोल होता है सैंपलिंग पोर्ट्स होते हैं जहां से आप सैंपल को पीरियोडिकली निकाल सकते हो तो क्वेश्चन आता है कि यार एक बायो रिएक्टर के पास कौन कौन से सिस्टम्स हैं तुम बोलोगे एजिटेटर सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पीएच कंट्रोल सिस्टम टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ठीक है ये सारे सिस्टम सैंपलिंग पोर्ट्स प्रेजेंट ट्वेंटी नहीं बेटा ज्यादा नंबर का आता है ब्राह्मण कह रहे हैं वी आर अभी तो खत्म नहीं हुआ एक स्टेप बचा हुआ है अभी खत्म नहीं हुआ है पहले मैं आपको बताऊंगी थ्री टाइप्स ऑफ बाय रिएक्टर इसमें नहीं दिया हुआ बट क्वेश्चन है बस नाम देख लीजिए थ्री टाइप्स ऑफ बाय रिएक्टर यस सबसे पहला सबसे पहला बेटा जी आता है आपका बैच फर्मेंटेशन अभी मतलब समझाऊंगी सब सब आ जाएगा नेक्स्ट आपका आता है कॉन्टिन्यूस कल्चर कॉन्टिन्यूस कल्चर एंड देन आपके पास आता है फेड बैच सिस्टम दोनों का ऑलमोस्ट मिक्स फेड बैच अब बैच फॉर्मेंटेशन में क्या हो रहा है ये सिस्टम है ये एक क्लोज सिस्टम है क्या मतलब है इसमें बेटा जी मैंने बायरियाक्टर लिया ये देखिए मैंने एक बाय रिएक्टर लिया इसमें पहले से ही सारा सामान डाल दिया पहले से ही स्टार्ट करने से पहले सेल भी डाल दिए ऑक्सीजन भी डाल दिया सब कुछ जो भी डालना है ना सारा रॉ मटेरियल तुम पहले डाल दो और फिर बेटा इसको बंद कर दो

ओपन सिस्टम है ये सिस्टम लिखना था यार सिस्टर्ड लिख दिया मैंने तुमने बताया भी नहीं सेशन को जैसे तुम लाइक नहीं करते ना वैसे बेटा तुम बता नहीं रहे हो हाँ इनलेट और आउटलेट खोल के रखा हुआ है ये देखो ये ओपन करके रखा हुआ है मतलब तुम साथ, -साथ यहां पर न्यूट्रिय डालते जा रहे हो न्यूट्रिय रॉ मटीरियल डालते जा रहे हो और प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो प्रोसेस चल रहा है लेकिन प्रोसेस के चलते चलते आप रॉ मटेरियल डालते जा रहे हो और प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो जैसे चावल बनाने आते हैं आपको अब कहेंगे कि मैम चावल क्या होता है बेटा चावल बनाने का प्रोसेस देखा है दो तरीके से चावल बनते हैं कुछ लोग चावल बनाते हैं कुकर में क्या करते हैं सब कुछ पहले डाल देंगे कुकर को बंद कर देंगे और सीटी आने का वेट करेंगे दिस इज प्रोसेस ऑफ क्लोज सिस्टम कुकर बंद कर दिया और चावल बन रहे हैं अंदर ठीक है जी अब क्या बीच में कुकर को खोल के डालते हो नमक या पानी नहीं पहले से डाल के रख देते हो पहले तुमने पानी डाल दिया घी डाल दिया जीरा डाल दिया नमक डाल दिया जो भी डाल दिया और फिर कुकर क्लोज कर दिया दिस इज अ सिस्टम बैच फर्मेंटेशन कल्चर में तुम चावल कुकर में नहीं बना रहे हो तुम चावल बड़े कढ़ाई में बना रहे हो कढ़ाई में चावल कैसे बनते हैं गैस चलाया अब ऊपर से सामान साथ, साथ चलते जा रहे हो चावल बनते जा रहे हैं मतलब तुमने पहले ऊपर से जीरा डाला घी डाला जीरा डाला नमक डाला फिर पानी डाल दिया पानी डालने चावल डाल दिए और फिर चावल को हिला रहे हैं ठीक है जी सो दैट इज बेसिकली ओपन सिस्टम जिसमें तुम क्लोज नहीं कर रहे हो एंड रॉ आर मेटीरियल गेटिंग एडेड प्रोडक्ट इज कॉन्टिन्यूसली कमिंग आउट रॉ मेटीरियल एड हो रहा है प्रोडक्ट आ रहा है ज्यादा बेटर कौन सा सिस्टम है हां जी तसले में नहीं बेटा तसला तो परात को बोलते हैं ना कढ़ाई में या पतीले में बनते हैं

ठीक है, फेट बैच इसमें क्या कर रहे हैं दोनों को मिक्स करके एक तरीके से यूज कर रहे हैं यहां पर क्या कर रहे हैं पहले लो कंसेंट्रेशन पे न्यूट्रिय मीडियम एड करेंगे एंड देन उस प्रोसेस को क्लोज करके आगे से चल देंगे वैसे इनकी बात ज्यादा एनसीआरटी में नहीं है मैंने जस्ट आपकी नॉलेज में बताया है सो so, ये ओपन और उसका कॉम्बिनेशन है पहले तुम लो कंसेंट्रेशन में धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट्स डालते हो और फिर उसे क्लोज की फॉर्म में ले लेते हो दिस इज फेड बैक सिस्टम ओके जी तो ये हो गए आपके थ्री टाइप्स ऑफ बाय रिएक्टर एंड बाय रिएक्टर में अल्टीमेटली तुमने जो भी प्रोडक्ट बनाना था वो प्रोडक्ट बेटा इसमें बन गया मान लो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है प्रोडक्ट बेटा जी आ चुका है अब क्या करें प्रोडक्ट आ चुका है इसको बाहर निकाल लिया मार्केट में बेचा हूं बेटा मैंने इंसुलिन बना लिया मार्केट में बेचाती हूं हैं नहीं बेटा जब भी आप किसी भी दवाई को वैक्सीन को एंटीबायोटिक को मार्केट में निकालते हो तो उससे पहले बहुत सारी उसकी टेस्टिंग होती है आइसोलेशन होता है सेपरेशन होता है उस सारे प्रोसेस को इकट्ठा हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये भी बेटा जी एक पी वाई क्यू है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है ये फर्मेंटेशन के बाद होता है जब डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका आ चुका है सो दिस इन्वॉल्व्स दो चीजें बेटा ये करेगा सेपरेशन दिस इन्वॉल्व्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट आप उसे सेपरेट करते हो क्योंकि अभी तो वो सेल के साथ जुड़ा हुआ है है ना फर्मेंटर के अंदर जुड़ा हुआ है उस सारी अन चीजों को सेपरेट करोगे फिर प्यूरिफाई करोगे इन दोनों को हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं अब ये प्यूरिफिकेशन कैसे कैसे करी जा सकती है प्यूरिफिकेशन करने के बहुत तरीके हैं आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ड्राइंग कर सकते हो क्रोमेटोग्राफी कर सकते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर सकते हो क्रोमैटोग्राफी करते हो ठीक है जी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन ठीक है जी यस yes. तो ये हो गई आपकी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ठीक है अब जब आपने डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग यानी कि सेपरेशन कर ली प्योरिफिकेशन भी कर ली अब आप इस प्रोडक्ट को इफ रिक्वायर्ड अगर वो उस कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेजोगे जब क्लिनिकल ट्रायल एक दो स्टेजेस के अप्रूव होते हैं तब जाकर बेटा आप उसकी मार्केट फिट टू मार्केट यूज कैटेगरी में उसको डालोगे और उसको मार्केट में बेचना शुरू करोगे मार्केटिंग करोगे तो जो भी दवाई बनाई है वैक्सीन बनाई है अब जाकर वो मार्केटिंग के लिए जाती है हाँ विशु कह रहे हैं काजू आपका नाम चाहिए बढ़िया बढ़िया बेटा यही तो जगह है मेट्रीमोनियल साइट बना लो हमारी क्लास को है ना मैट्रीमोनियल साइट बना लीजिए मिशन सक्सेसफुल जो हमने जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया हम तो प्रोडक्ट बनाना चाहते थे हमने अल्टीमेटली बना लिया तो आज की क्लास में क्या ये सारे स्टेप्स आपको समझ आए ये वाले यस आइसोलेशन ऑफ डीएनए ठीक है एंजाइम्स स्पूलिंग इसमें हमने की फ्रेगमेंटेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से किया सेपरेशन एंड आइसोलेशन स्टेप नंबर थ्री हमने एग्रोस जेल की मदद से किया एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एम्प्लीफिकेशन पीसीआर की मदद से किया लाइगेशन लाइगेज की मदद से किया ट्रांसफर के लिए पहले कॉम्पिटेंट बनाया कॉम्पिटेंट बनाने के बाद उसको पहले

अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो ये सारा अपस्ट्रीम है बोल सकते हो ऊपर का सारा मेथड लास्ट वाला छोड़ के अपस्ट्रीम में आ जाएगा और लास्ट वाला मेथड आपका क्या रहेगा डाउनस्ट्रीम। बिल्कुल इसका पीडीएफ मिलेगा बेटा एब्सोल्युटली। ये जो मेरे सारे नोट्स हैं सबका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे एवरी आता है क्वेश्चन वहां पर आते हैं ज्वाइन करना, है, करना है एक बार फोटो चेक कर लेना यही है उस पे क्लिक करके देखना नाम पे कि यही वाला लिंक आ रहा है ना टी डॉट मी स्लैस मैम वन लैक सेवेंटी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड कुछ बच्चे उसको है उसको ज्वाइन करिए वही करेक्ट टेलीग्राम है वहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं ठीक है जी सेशन अगर समझ आया तो फटाफट से यार लाइक कर दो यस yes. फटाफट से लाइक कर दो और कौन चाहता है कि टाइम चेंज हो कौन चाहता है कि टाइम ना चेंज हो इस फोर पी एम ओके और वी हैव टू मूव टू थ्री यस जो भी मैं दूंगी मैं उन्हीं को दूंगी जो मेरी लाइव क्लास लगाते हैं जो बच्चा लाइव क्लास नहीं लगाता उसको कुछ नहीं दूंगे यस yes. अभी मिल जाएगा इसका पीडीएफ यार पोल ना मैं कर नहीं सकती हूं अब मैं ना टेलीग्राम पे पोल कराऊंगी टेलीग्राम पे आंसर देना ठीक है अभी टेलीग्राम पे पोल डालेंगे थ्री और फोर ठीक है आप इसका आंसर टेलीग्राम पे देना ओके बाकी बेटा इंडिपेंडेंस डे कल आने वाला है तो कल का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और कोई कुछ नहीं पढ़ाऊंगी बिल्कुल कम लोड लेने वाला सेशन है तो कल बेटा सब बच्चे व्हाइट कपड़ों में आएंगे कोई बच्चा ड्रेस कोड को फॉलो नहीं करेगा तो बेटा क्लास में एंट्री नहीं है कल के लिए ड्रेस कोड है ठीक है ड्रेस कोड इज टू वेयर वाइट ड्रेस ठीक है आपकी तिरंगे वाली ड्रेस होनी चाहिए हो जाएगी क्योंकि आपको भी सेल्फी भेजनी है ना टैग करना है मुझे यस कल की क्लास का लिंक यहाँ पे पेंड है जब तक इस पे 2000 लाइक्स नहीं ये वाली क्लास शुरू नहीं करेंगे नहीं तो फिर आप अपने कपड़े पहन के खुद ही उसकी फोटो अकेले ले लेना हाँ जी बेटा साथ ही आपको मुझे बताना था प्रो स्टिल लाइफ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना है सीप लाइफ क्या कोड लगाना है आपको कोड लगाना है बेटा जी सीप लाइफ ठीक है जी ये एक ऐसा कोड है जिससे आप मेरी गाइडेंस में आ जाते हैं और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है जो कि इस समय चल रहा है साथ ही में आप जब इसमें प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप हर टीचर से पढ़ पाएंगे इट इज नॉट जस्ट फॉर बायो इट इज फॉर एवरीथिंग पीसीबी तीनों चीजें मिलती हैं आपको ये अग्नि जो बैच है ये ड्रॉपर के लिए है प्लस क्लास ट्वेल्थ के लिए है अगर आप क्लास इलेवेंथ में है तो यार आपके लिए बैच है कौन सा आरएम रिलोडेड इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कोड लगाना है सीप्लाई और आपको सारी चीजें दिखाई देने लग जाएंगी फिजिक्स केमिस्ट्री और अगर कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है बिल्कुल बेटा ऑफलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहां पर जाकर भी सीप्लाइ कोड लगाकर ऑफलाइन में एडमिशन ले सकते हैं ओके okay, मेरे बच्चों तो आज का सेशन आई होप सबको समझ आया होगा प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा आपको पूरा बायोटेक्नोलॉजी देखो यही टफ था एप्लीकेशन तो बड़ा आसान है जो हम पर से शुरू करने वाले इट इज वेरी 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 इजी तो एप्लीकेशन का कोई लोड नहीं है लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या आपको ये चैप्टर अच्छे से दिल से समझ आया नहीं आया कैसा आया प्लीज मुझे बताएं एंड कमेंट हर बच्चा करे कमेंट्स में पर्सनली पढ़ती हूँ पर्सनली लाइक भी करती हूँ सो आई रियली वांट कि हर बच्चा अपना अटेंडेंस कमेंट में लगाए कल वाली क्लास पे नोटिफाई मी और लाइक पे क्लिक करें कल बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है कल का सेशन थोड़ा सा जल्दी करेंगे परसों फिर वी विल डिसाइड के टाइम तीन रखना है चार मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार चार ही रखेंगे देखते हैं ओके okay, चलो बाय बाय गाइज टेक केयर एवरी वन बाय